कि एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन, यानी हर क्रिया की अगर आपका जोश 200 रुपये जितना होगा तो 198 ही रहेगा। जैसे मान लो अगर मैं बॉल को धीरे से दीवार फेंकूं तो रिएक्शन क्या होगा? धीरे धीरे वही थोड़ा जोर से फेंकूं तो एक ड्रॉप आएगी, और अगर मैं खींच के फेंकूं तो सीधा मेरे मुंह पर आएगा। तो ये विज्ञान साइंस है, और इस पूरे धरती पर पूरे ब्रह्मांड में हर चीज काम करती है, वो है साइंटिफिक। और ज्यादातर लोग क्या है कि किसी भी क्षेत्र में कामयाबी इसलिए नहीं पाते हैं क्योंकि वो साइंस को नहीं पकड़ते हैं, इमोशनल होकर काम करते हैं। वो बिजनेस में इमोशंस नहीं चलते, क्या चलेगा? साइंस। तो देखिए, जितना आपका आर्टिस्ट प्रति जोश होगा, जितना आपका विश्वास होगा, जितना आपका एक्साइटमेंट होगा, मान लो अगर आपके जीवन का जो भी सपना है, जो भी आपके जीवन की इच्छाएं हैं, अगर वो पूरी होने वाली हो तो एक्साइटमेंट होना चाहिए कि नहीं? जोश होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो आपने जय आसन ऐसे बोला जैसे आसन करके 200 रुपये आए और चाहिए जितना चाहिए उतना जोश से बोलना पड़ेगा। हो सकते हैं? वन टू थ्री जय। तो जोश और विश्वास का परसेंटेज बढ़ा, इसलिए हमारे आसपास स्लैब बनेगी 10%, 12%, 14%, 14%। तो जिसका जितना परसेंट जोश है उसको उतना ही पैसा आता हो सकता है। चलिए, वन टू थ्री जय। अभी तक तो रॉयल्टी तक नहीं पहुंचा। चलो लास्ट चांस, वन टू थ्री जय। लेकिन किसी को काम दिखा तो आपको होगा जाएगा। स्टोरी सुनना चाहें? Yes! एक बात क्या हुआ कि एक ब्रेड बनाने वाली बहुत बड़ी फैक्ट्री, तो आप देखते हैं ब्रेड एक पाउंड की होती है और उसमें उसी अनुपात में बटर लगता है, मक्खन तब ब्रेड है। तो उसको मक्खन सप्लाई करने के लिए उसने एक व्यक्ति को कॉन्टेक्ट किया, तो कई महीने तक वो उसको पाउंड के हिसाब से मक्खन सप्लाई करता गया। 5-6 महीने बाद फैक्ट्री के मालिक को लगा कि वह चेक करते हैं कि ये बटर का वजन पूरा देता कि नहीं देता। तो उसने बटर का वजन वेट किया उसको, तो पता चला कि वो हर बटर का वेट जो है एक पाउंड नहीं है, 0.9 पाउंड। तो उसको बड़ा गुस्सा है और उसने उसको ऊपर केस कर दिया। कोर्ट में केस चला, वकील ने उसको बुलाया कबीर में, और इनका इल्जाम है कि आप जो है बटर का वजन कम तो के देते हैं, क्या ये सही है? बोला बिल्कुल गलत है। बोला आप कैसे मेट करते हो, क्या आपका तराजू है? बोलता है तोड़ने के लिए बात है, बकरा बोलने क्या बोलते हैं?
बोला है, बोले वो तो नहीं, बोले थोड़े कैसे, बोले साहब इसका जो ब्रेड होता है वो भी एक पाउंड का होता है, तो मैं क्या करता हूँ एक पलड़े पर इसका ब्रेड रखता हूँ और दूसरे पलड़े पर मेरा मक्खन रखता हूँ और तोल के सब लेकर कर देता हूँ। बोला अगर मक्खन का वजन कम है इसका मतलब ये है कि इसका ब्रेड का वजन कम है। उसी तरह आरसिंह के पास तराजू तो है लेकिन बटकरा नहीं, वो तो खाली आपके जोश आपके एक्शन में आपके विश्वास को एक पले पर रखेगा और तोड़ के आपको फंड ट्रांसफर कर देगा। अगर आप 3 साल से काम कर रहे 10% में है तो समझ लो आपका जोश विश्वास एक्शन उतना ही परसेंट का। और हमें तो देखते पता चल जाता है कि कौन है जो आज का आने वाला समय है बहुत बड़े अचीवमेंट लेगा, बहुत बड़ी सक्सेस हासिल करेगा, क्योंकि जिसका जितना परसेंट का जोश जितना परसेंट का विश्वास उसी रेशियो में वो ताली बजाता है। अब इसे लोग आते हैं ताली कैसे बजाते हैं, क्योंकि उसका जोश का परसेंटेज ही उतना है। ऐसे लोग सुबह ज्वाइन करते हैं शाम को रिटायर करते हैं। आप तो वैसे नहीं है ना। और कुछ लोग आते हैं जो दूसरे कामों से जुड़े हुए हैं, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई अच्छी जॉब कर रहा है, कोई खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, अलग अलग प्रोफेशन जुड़े हुए हैं, वहां से उसको पैसा आ रहा है, अच्छा पैसा आ रहा है, काम चल रहा है, और आठवें दिन पैसा आएगा वहां से बाहर है, तो उनका प्रश्न कैसा था वो तारीख इस बात है। ज्यादातर लोग जो है ज्वाइन करने के 1 घंटे बाद कोमा में चले जाते हैं। और कुछ लोग होते हैं जो आरसीएम के सेमिनार में सोने के लिए आते हैं क्योंकि घर में बीवी सोने नहीं देती, तो सो रुपये कटा के सुनने नहीं आते, सोने नहीं आते। और ऐसे बहुत सारे लोग आरसीएम में ज्वाइन किए हुए जो सोने के लिए ही ज्वाइन किए, उनको आज तक कोई उठा नहीं पाया। आप तो जा रहे हैं ना। सो और कुछ लोग होते हैं बड़े कायर और बुजुर्ग किस्म के, उनको कामयाबी से डर लगता है, पैसों से डर लगता है, उनको करोड़पति बनने से डर लगता है, उनको लगता है कि अगर मैं करोड़पति बन गया, अगर मैं सफलता हासिल कर लिया तो मेरे रिश्तेदार मेरे दोस्त मेरे पीछे बन जाएंगे, इनकम टैक्स वाले पीछे बन जाएंगे, कोई मुझे किडनैप कर लेगा, मेरी रातों की नींद हराम हो जाएगी। बड़े कायर और बुजुर्ग किस्म के होते हैं, उनके माँ बाप बोलते हैं कि मुझे पूरा विश्वास है बेटा तू कामयाब होगा, उनकी अम्मा बोलती है कि मुझे पूरा विश्वास है कि तू कामयाब होगा, वो बोलता है मुझे भी पूरा विश्वास है कि मैं जिंदगी में कभी कामयाब नहीं होगा। वो ताली कैसे बजाते हैं ताकि कोई देख नहीं रहे, नीचे नीचे। ऐसे कायर और बुजुर्ग लोग जो है इस धरती पर बोझ है, अपनी अपने बोझ है।
ऐसे पता नहीं कितने सारे अपने ऐसे बोझा लेके डूबे गए हैं। जो ऐसा बोझा लेके डूबे उनकी गलती कर दी। आप तो बोझ नहीं है। और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके अंदर जोश मर चुका है, गुस्सा मर चुका है, उनके सारे सपने मर चुके हैं, उनके अंदर विश्वास मर चुका है। वो जिंदा इसलिए है क्योंकि अभी तक मरे नहीं है। वो ताली कैसे बजाते हैं? उनसे जो कॉन्टेक्ट करता है उसका भी ध्यान रखो। अब तो जिंदा है, जिंदा है, जिंदा जैसे लोग निकलेंगे। क्योंकि हम सब लोग कौन है? हम सब लोग ईश्वर और खुदा की संतान है। जो शक्तियां ईश्वर और खुदा के पास में है वो सारी शक्तियां हमारे अंदर होती है, लेकिन हम उन शक्तियों को पहचान नहीं पाते। अब सबके अंदर वो शक्तियां हैं जिससे आप बड़े से बड़ा असंभव सा काम कर सकते हैं, लेकिन हम लोग शर्म से, हिचक से, कई तरह की गलत फहमियों से, समाज के डर से, पता नहीं कैसी कैसी गलत धारणाओं में हम अपनी उन शक्तियों का इस्तेमाल नहीं करते। वो शक्तियां सारी यहां छुपी हुई है, केवल उसको बाहर निकालना पड़ता है। और जैसे आप देखे होंगे कि फूल जब खुलता है तभी वो खिलता है, तभी उसके अंदर सुगंध आती है। जब तक फूल बंद रहेगा उसके अंदर सुगंध नहीं है, खुलते सुंदर लगेगा उस सुगंध आती। और इंसान जब अंदर से खुलता है तो उसके अंदर से सुगंध आती है और पूरी दुनिया में वो सफलता की जिंदगी काटता है। तो जैसे आप जोश में आएंगे तो आपके अंदर वो सफल व्यक्ति बहुत सारी निभाने लगेगी, इसलिए आपको शरीर हल्का लगेगा और आपका शरीर गर्म हुआ, हाथ गर्म हुए और आप सिंपल सिद्धांत है, जो जितने जोर से विश्वास से अपने हाथ को गर्म करेगा आरसीम उसकी पॉकेट को उतने ज्यादा गर्म करेगा।
जोश और विश्वास से अपने आप को गर्म नहीं करते हैं वो बाकी लोगों का माथा गर्म करते हैं। तो यहाँ पास नए लोग कितने हैं जो पहली बार आसन को जानने और समझने के लिए हैं? ऐसे कितने लोग हैं? एक बार अपनी जरूरत खड़े होंगे। मैं चाहूंगा हमारे नए साथियों का, हमारे नए गेस्ट का वेलकम एक बार जोरदार तालियों से। बड़े नए गेस्ट जो हैं वो बड़ी भाग्यशाली हैं, खुश नसीब हैं, लेकिन मजे की बात तो ये है कि ये बात उनको पता ही नहीं कि वो कितने भाग्यशाली हैं। उनको पता नहीं है कि उनके जीवन का सबसे बड़ा खजाना, उनके जीवन की सबसे बड़ी पूंजी उनके हाथ लग चुकी है, लेकिन पता नहीं है। जानना चाहेंगे? जानना चाहेंगे? देखिए, आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन आरसी मेरिट पर मिल चुकी है और अभी मैं आपको आज हम लोग चर्चा करेंगे द फार्मूला ऑफ सक्सेस। आरसी क्या था, क्या है, क्या होगा, आरसी में कैरियर कैसा हो सकता है, सरकार की प्लानिंग क्या है, कंपनी की प्लानिंग क्या है, भविष्य में क्या क्या होने वाला है, और आज हम लोग सीरियस चर्चा करेंगे उस साइंस की, कौन सा साइंटिफिक तरीका है जिससे आप नेचुरल तरीके से, साइंटिफिक तरीके से, कम समय में, कम लोगों से बड़ी अचीवमेंट, बड़ी से बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं। और हमारे जो नए गेस्ट हैं उनके बाद में उनको एक निर्णय लेना है जब वो मीटिंग खत्म होगी कि आरसीएम करना है कि नहीं करना। Yes, no. आज से करीबन 15 साल पहले, 15 साल होने आने में आसन 2003 में, सॉरी 14 साल हो गए, 2003 में मैंने आसन ज्वाइन किया था, लेकिन अपनी मर्जी से नहीं किया था। मेरे जिया जी हैं, उनको किसी ने किट शेप दी, मैं उनके घर गया हुआ था, उन्होंने मुझे कोई बिजनेस समझाया नहीं, प्लान सीधा मेरे सामने मेरे हाथ में एक फॉर्म पकड़ाया, बोला चल साले साइन कर दे। और किसी साले की मजाल नहीं है कि चीजा को और सच बताऊं आज भी यहाँ पर बहुत सारे साले फंसे हुए हैं। तो देखिए, आश्रम का सिद्धांत है कि आश्रम बिजनेस में कोई भी व्यक्ति अपनी मर्जी से नहीं आता। आश्रम में करीबन 1.5 करोड़ लोग जुड़ चुके हैं, 1.5 करोड़ लोगों का फॉर्म भरा जा चुका है और एक भी व्यक्ति अपनी मर्जी से बिजनेस में आया नहीं। मैं भी नहीं आया, हमारे जितने अच्छी ग्राहक देखे वो भी नहीं आए, आप में भी मैक्सिमम लोग नहीं आए होंगे, क्योंकि आश्रम का सिद्धांत है कि आश्रम बिजनेस में कोई भी व्यक्ति अपनी मर्जी से नहीं आता है, जो भी आता है वो ईश्वर और खुदा की मर्जी से बिजनेस है। अभी बड़े सफीर भाई बोल रहे थे कि क्रिकेट का इंडिया पाकिस्तान मैच रमजान की वजह से हमारा सेमिनार प्रभावित हो गया, मुझे हंसी आ रही थी। हमारा सेमिनार प्रभावित नहीं है, जो नहीं आए वो प्रभावित हो गया।
तो 14 साल पहले मैंने ये बिजनेस अपनी मर्जी से नहीं किया और 3-4 महीने तक मैंने कोई काम नहीं किया और 3-4 महीने बाद मैंने इसके एक सबक कुछ था नहीं। आज से करीबन 14 साल पहले वेस्ट बंगाल में आरसीएम का कोई नामो निशान नहीं था। वहां पर ना तो कोई कंपनी का कोई पिकअप सेंटर था, ना कोई डिपो था, ना कोई ऑफिस था, ना कोई सेमिनार होती थी, ना कोई ट्रेनिंग होती थी, ना कोई समझाने वाला, ना कोई बताने वाला, ना कोई टूल्स, ना कोई कैटलॉग है, ना कोई बुक्स है, ना कोई सीरीज है, ना कोई ऑडियो है, कुछ भी नहीं। कोई भी अंगली पकड़ने वाला नहीं, यानी जो भी करना है खुद ही करना है। अगर ऐसी स्थिति में आपके पास आसीम आता तो आप हाँ बोलते कि ना बोलते? नो। लेकिन मुझे एक सच्ची घटना याद है, सच्ची स्टोरी सुनना चाहिए? Yes! एक बार क्या हुआ कि एक फुटवेयर कंपनी थी, बहुत बड़ी, जूते चप्पल बनाने वाली बहुत बड़ी फुटवेयर कंपनी। एक बार उसने अपने एक सेल्स मैनेजर को बोला कि एक आइलैंड पे जाओ, टापू पर, बोलो वहां जाके पता लगाओ कि वहां पर हमारे जूते चप्पल का मार्केट कैसा है। वो उस आइलैंड में गया, वहां जाके उसने देखा कि वहां तो कोई जूते चप्पल पहनता ही नहीं। जूते चप्पल तो छोड़ो, पूरे कपड़े पे कोई नहीं पहनता। तो बेचारा बड़ा दुखी हुआ, दुखी मन से कंपनी में फोन किया, बोले सर यहाँ तो कोई जूते चप्पल पहनता नहीं, यहाँ पर हमारा नहीं चलेगा। बात खत्म होगी। उसके कंपटीशन में एक और बड़ी कंपनी थी फुटवेयर का, उसने भी अपने मैनेजर को वहां भेजा, तू जाकर बता। जब वहां गया तो उसने देखा सेम, कोई भी जूते चप्पल नहीं पहनता, लेकिन वो खुश हो गया, एक्साइटेड हो गया। बड़ा एक्साइटेड हो कंपनी फोन किया, बोला सर अभी तक किसी ने जूते चप्पल पहनना शुरू नहीं किया है, यहाँ पर बहुत बड़ा मार्केट है, एक दिन सबको जूते चप्पल पहनना
दूसरी तरफ से आपको ये हाँ या ना बोलना है। अब मेरे पास भी एक था मौका कि मैं यस बोलूंगा आसिम के लिए, नो बोलूं, सेम ऑप्शन था मेरे पास, जो ऑप्शन आसिम है मेरे पास। उस वक्त पूरे भारत में आसिम के 5 लाख डिस्ट्रीब्यूटर थे और आज 1.5 करोड़। अगर मैं बोलता नो, मुझे आसिम बिजनेस नहीं करना, तो बताओ कि ये 1.5 करोड़ लोग आसिम ज्वाइन करते कि नहीं करते? मेरे ज्वाइन करने या ना करने से कोई फर्क पड़ता नहीं। लेकिन मैंने डिसीजन लिया कि यस मुझे आसिम बिजनेस करना है। उसका नतीजा क्या हुआ? एक डिसीजन कि यस करना है, उसका नतीजा ये हुआ कि आज 1.5 करोड़ में से 20 लाख लोग मेरी टीम में शामिल है। पूरे अगर मुंबई डिस्ट्रिक्ट की बात करें, उसके आसपास जितने डिस्ट्रिक्ट हैं, थाने डिस्ट्रिक्ट है और भी 2-4-5 डिस्ट्रिक्ट हैं, कितनी पॉपुलेशन होगी अंदाज? पॉपुलेशन कितनी होगी बॉम्बे थाने से मिलकर? 4 से 5 करोड़। इन 4 से 5 करोड़ लोगों में से कितने लोगों ने आरसी ज्वाइन किया? 50,000। अभी ज्वाइन कितने लोग कर चुके हैं? 50,000 लाख। इससे ज्यादा नहीं, यानी 5 करोड़ में से 1 लाख लोगों ने ज्वाइन किया मात्र। और आपको क्या लगता है कि अगले 5 सालों में कितने लोग आसिम ज्वाइन करेंगे 5 करोड़ में से? कम से कम 25 लाख, कम से कम 25 लाख ज्वाइन करेंगे। क्या लगता है अगर आप ये डिसीजन लेते हैं कि नो मुझे आसिम नहीं करना आज, तो क्या ये 25 लोग आसिम ज्वाइन करेंगे कि नहीं करेंगे? आपके नाम बोलने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं। लेकिन अगर आपने बोला यस मुझे आसिम करना है, तो उसका नतीजा क्या हुआ कि इन 25 लाख लोगों में से 1.5 लाख लोग आपके साथ ज्वाइन करेंगे। यस बोलना चाहिए, यस बोलना चाहिए। तो या तो कोई जिंदगी में बहुत बार क्या करते कामयाबी क्या है कि जिंदगी में कई बार बड़े बड़े काम करने से कामयाबी नहीं आती है, जिंदगी में सही वक्त पर सही डिसीजन लेने से जिंदगी में बड़ी कामयाबी आती है। सो चलिए मैं आपको कुछ प्रश्न करता हूं। यहां पर ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने अपनी कमाई से, खुद की कमाई से घर बनाया? बाप दादाओं के लिए खुद की कमाई से फ्लैट खरीदा हो या घर बनाया हो, जो भी 10-15-20 लोग हैं उसमें भी आते पड़े आसिम अली। ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने अपनी कमाई से कार खरीदी, 4 व्हीलर? 4, 5, 6, 7, 10 लोग हैं आसपास। ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने अपनी कमाई से फॉरेन टूर कर रहे हैं, नेपाल बांग्लादेश को छोड़कर? 1, 2 वहां पर। और ऐसे कितने लोग हैं जो अपनी कमाई से अपने बच्चों को बेस्ट से बेस्ट एजुकेशन दे रहे हैं, बेस्ट स्कूल, बेस्ट कॉलेज, बेस्ट इंस्टीट्यूशन? 8-10 लोग हैं उसमें भी आसिम वाले ज्यादा लोग हैं। और भगवान ने कहा कि कभी घर में जरूरत पड़ी है कि किसी के मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए 25-50 लाख रुपए की जरूरत पड़े, तो कितने लोग करवा पाएंगे? सारे आसिम वाले। कितने लोग अपनी बेटी और बेटे की शादी शानदार तरीके से कर रहे हैं?
और ऐसे कितने लोग हैं जो करोड़पति बनना नहीं चाहते, हुआ तो है। जो लोग करोड़पति बनना नहीं चाहते हैं वो लोग हाथ उठाए। सारे चाहते हैं, कितने लालची है। ऐसे कितने लोग हैं जिनके पास लग्जरी लाइफ, लग्जरी लाइफ, लग्जरी लाइफ कैसी होती है देखना चाहेंगे? चलिए मैं आपको दिखाता हूं लग्जरी लाइफ कैसी होती है। लाइक Yeah!
इच्छा कितने लोकप्रिय है? बोलो yes! सबकी इच्छा है yes! तो मैं आपको बता दूं, इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती। अगर इसको पाने की सिर्फ इच्छा की है तो इच्छा तो हर इंसान की बहुत है। किसी ने पूछो पैसा चाहिए तो बोले लाख रुपए चाहिए, करोड़ चाहिए। लेकिन काम करना पड़ेगा। इच्छा तो सबकी है। लेकिन इच्छाएं पूरी नहीं होती, क्योंकि अगर इच्छाएं पूरी होती तो अब तक तो आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो चुकी होती। देखो उस हिंग लड़के को कैटरीना कैफ चाहिए, बहुत दिन से इच्छा है। क्या लगता है पूरी होगी? ध्यान रखना, अगर किसी चीज के पाने की आपकी इच्छा है तो पूरी नहीं होगी। अगर उसको पाने की आपके अंदर इच्छा शक्ति है तो 100% पूरी होगी। उसके लिए विल पावर चाहिए कि चाहिए तो चाहिए, किसी भी कीमत में चाहिए। रॉयल्टी अचीव करना है तो करना है, स्टार इंडिया अचीव करना है तो करना है, डायमंड बनना है तो बनना है, बनना है, बनना है, बनना है। तब इच्छा कोई थाली में परोस के दे दिया। सो अब बताओ कितने लोगों की ये लग्जरी लाइफ जीने की पाने की इच्छा सकती है? तो अब बोलो यार, तो आज मैं आपको बता दूं, अब जो आश्रम होने वाला है, अब जो आश्रम की तैयारी हो चुकी है, अगले 5 सालों में अगर इच्छा शक्ति के साथ आपने काम किया तो 5 साल में आपको आशी के लग्जरी लाइफ दे सकता है। और आपके मुंबई में तो बहुत सारे लोग ऐसे लग्जरी जीते हैं जो जुहू, बांद्रा, मलबार हिल, ऐसे बहुत सारे लोग जीते हैं। जो बॉम्बे आपके बाद आए वो 10 साल में सिलेक्ट किया, जो यहां पैदा हुआ वो नहीं किया। सोचिए, तो आज हम लोग चर्चा करेंगे कि द सक्सेस फॉर्मूला। आज हम सारी बातें करेंगे साइंटिफिक, जिससे साइंटिफिक तरीके से आप कर सकते हैं। हवा में कुछ नहीं होगा, इमोशन से कुछ नहीं होने वाला, जो भी होगा साइंटिफिकली होगा। और आज हर चीज को आपको पकड़ना है साइंस विज्ञान को। कोई बता सकता है सक्सेस का फॉर्मूला क्या क्या होना चाहिए आपके साथ? कामयाबी के लिए क्या क्या जरूरी है? एनीबॉडी? हार्ड वर्क, जोरदार हार्ड वर्क। आप जिंदगी में कोई भी काम करो हार्ड वर्क तो आपको करना ही इच्छा शक्ति लगन, इच्छा शक्ति वेरी गुड, जोर लगा वेरी गुड, लगन किससे बोला? वेरी गुड, उनके भी लगन का मूड नहीं बचे, आज मूड नहीं है। हफ्ते में महीने में एक दिन हुआ बच्चे में आरसी कर लेते हैं। टाइम बाउंड, टाइम बाउंड वेरी गुड, जोर लगा टाइम बाउंड। पॉजिटिव थिंकिंग, जोरदार ताली, वेरी गुड।
पॉजिटिव थिंग होना चाहिए, पेशेंस, विश्वास, 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 वेरी गुड, संकल्प, वेरी गुड, उसको अप्लाई नहीं कर रहे, पता सब ऐसा बताओ, सक्सेस का कोई फॉर्मूला होता ही नहीं है। सक्सेस के गाइडलाइन कि उस रास्ते पर चलकर 90% चांस है कि आपको कामयाबी हासिल, लेकिन उसको 100% बनाना वो सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ में, वो ऊपर वाले के भी हाथ में सिर्फ आपके हाथ में। So, जनरली सक्सेस के लिए आज हम बात करेंगे रियल सक्सेस क्या है, कामयाब रियल सक्सेस है द बैलेंस ऑफ लाइफ। जिंदगी में सही कामयाब वो है जब आप अपनी लाइफ को सही ढंग से बैलेंस कर सकते, सबका बैलेंस हो। मान लो आपका कैरियर बहुत अच्छा है लेकिन परिवार में आपका कोई टाइम नहीं है, तो परिवार दुखी है, तो क्या आप कामयाब हैं? पैसा आपने बहुत कमा लिया, कैरियर बहुत अच्छा हो गया, लेकिन आपका हेल्थ खराब है, 10 तरह की बीमारियां आपको पड़ चुकी है, क्या आप कामयाब हैं? कैरियर अच्छा है लेकिन सारे दोस्त से रिश्ता टूट गया, तो क्या आप कामयाब हैं? तो ये लोगों की गलत फहमी है कि बहुत सारा पैसा कमाना ही कामयाबी है, तो ये गलत फहमी दूर कर ली कि केवल पैसा कमाना कामयाबी नहीं है, वो कामयाबी का मापदंड नहीं है। सही कामयाबी कब है? जब आपके पास पैसा भी बहुत हो, आपका कैरियर शानदार हो, फैमिली भी सुखी हो, हेल्थ भी अच्छा हो और आपके फ्रेंड भी बढ़ते चले गए, फ्रेंड सर्किल बहुत अच्छा हो, तब आपके पास सही मायनों में कामयाबी है। और यह कामयाबी पूरे ब्रह्मांड में एकमात्र दे सकता है आपको। जहां आपका कैरियर भी सुंदर होगा, पैसा भी बहुत होगा, लेकिन साथ में जैसे जैसे आपका बिजनेस बढ़ेगा, जैसे जैसे आप कामयाब होते चले जाएंगे, उतना ही आपके पास ज्यादा टाइम होगा अपने परिवार को देने के लिए, उतनी ही ज्यादा सिक्योरिटी होगी आपको अपने परिवार को देने के लिए। तो परिवार हमेशा खुश रहेगा, सुखी रहेगा। और आश्रम के जितने प्रोडक्ट है वो सारे हेल्थ प्रोडक्ट है, क्या मुझे बताने की जरूरत है? जो भी चीज आप खाते हैं सब आरसे में हेल्थ है, चाहे वो आटा खा रहे हो, चाहे तेल खा रहे हो, चाहे नमक खा रहे हो, चाहे मसाले खा रहे हो, चाहे आप साबुन लगा रहे हो, शैंपू लगा रहे हो, चाहे ब्यूटी जॉर्ज खा रहे हो, सब चीजों में हेल्थ है। और जो व्यक्ति आरसे प्रोडक्ट यूज करेगा उसका परमानेंट डॉक्टर और मेडिसिन से कनेक्शन कर, जब पूरा परिवार हेल्दी रहेगा तो परिवार सुखी हो नहीं हो, तो हेल्थ अच्छा। और फ्रेंड सर्किल, आरसीएम बिजनेस के द्वारा आपकी फ्रेंड सर्किल बढ़ती है या घटती है? फ्रेंड्स इज द पावर। आपको पता है दुनिया में जितने पावरफुल लोग हैं मालूम क्यों? क्योंकि पर्सन ही है, क्योंकि उनके फ्रेंड्स बहुत ज्यादा है। एग्जाम्पल, फ्रेंड्स की पावर क्या होती है?
भैया आज ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मुझसे पहली बार मिल रहे हैं। यस सर। कितने लोग हैं जो मुझसे पहली बार मिल रहे हैं? ज्यादातर लोग। पहले मैं आपके लिए अनजान था, अब मैं आपके क्या हूं? दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं। अब मुझे बताओ कि अगर मुंबई में मुझे कोई काम पड़ जाए तो मुझे आना पड़ेगा कि फोन से काम होगा? आज हिंदुस्तान के कोने कोने में कहीं भी हो कोई ऐसा काम पड़ जाए तो मुझे वहां जाने की जरूरत नहीं है, एक फोन करेंगे काम हो जाएगा। दैट इज द पावर ऑफ फ्रेंडशिप। और इसीलिए द बैलेंस ऑफ लाइफ वो बनाता है केवल आरसीएम बिजनेस। यस सर। दूसरा कोई सिस्टम आपके बैलेंस नहीं। ऐसी लाइफ कितने लोगों को चाहिए? बोलो इधर। और अभी देखिए आप लोग सब लोग सक्सेस का जो रोडमैप है, हर चीज का रोडमैप होता है और हर क्षेत्र में कामयाबी का रोडमैप होता है। आरसी में भी कामयाबी का रोडमैप है। अगर आप आरसी बिजनेस की एक किताब है, आरसी बिजनेस कैसे करें, जो स्वयं किसी छात्र ने लिखी है, एक बार उनके लिए जोरों तालियां। उसको जो अप्लाई करेगा उसकी कामयाबी 100% निश्चित है। तो रोडमैप है ना? वैसे आज से तो भी कामयाबी का रोडमैप आपको मिल गया है, लेकिन कामयाबी का जो रास्ता है, हर आदमी चाहता है कि एकदम सिंपल सीधा रास्ता हो तो मजा आ जाए। बस एकदम हाईवे हो, कैरियर शुरू किया एकदम धम से गाड़ी निकल जाए, एकदम झट से अपने मंजिल तक पहुंच जाए। तो ध्यान रखो, किसी भी क्षेत्र में बड़ी कामयाबी का रास्ता सिंपल और सीधा नहीं होता है। वो क्या होगा? टेढ़ा मेढ़ा, सांप की तरह। अब यहीं पर लोग मान खाते हैं कि कोई व्यक्ति यहां तक पहुंचा, यहां टपक गया, कोई यहां टपक गया, कोई वहां टपक गया, कोई यहां तक पहुंच के टपक गया, कोई यहां तक पहुंच के टपक गया, बस मंजिल पास में थी, पेशेंस को दिया। तो ध्यान रखो, अगर आसिम में भी बड़ी कामयाबी हासिल करनी है, बड़ी सफलता हो, लग्जरी लाइफ पानी है, तो आपको इस रास्तों से होकर गुजरना पड़ेगा। गुजर पाएंगे? कितने लोग गुजर पाएंगे? नेक्स्ट, गूगल मैप कितने लोग यूज करते हैं? काफी लोग। आप देखिए गूगल मैप को आप कोई भी डेस्टिनेशन डालेंगे, लोकेशन डालेंगे, तो वो आपको दो तीन रास्ते दिखाएगा, दो तीन रूट दिखा देगा आपको। यस नो? कोई बताएगा कि ये 25 किलोमीटर है, कोई रास्ता 40 किलोमीटर हो जाता है, कोई 80 किलोमीटर, कोई शॉर्टकट भी है ना? आपका रास्ता कोई भी हो सकता है। आप कोई भी रास्ता चुनो आश्रम में कामयाबी के लिए, चाहे शॉर्टकट चुनो, चाहे लॉन्ग कट चुनो, चाहे हाईवे चुनो, कोई भी कट चुनो, लेकिन हर पड़ाव में एक चीज कॉमन रहेगी, वो है शुरुआती दौर में फेलियर। क्या मिलेगी? अब फेलियर जो है यहीं से कामयाबी की शुरुआत होती है, कि जो लोग अपनी असफलता को डाइजेस्ट करने की क्षमता रखते हैं वही बड़ी कामयाबी पाने की साहस रखते हैं। जो असफलता को डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा वो बड़ी कामयाबी को हासिल नहीं कर पाएगा, कोई चांस ही नहीं। और ये क्या है, आपको असफलता भी बहुत जरूरी है, ये आपका फ्यूल है, यही आपकी गैस है पूरी, जो आपको बड़ी कामयाबी के लिए जाएगी। हम लोग भी यहां तक पहुंचे हैं तो शुरुआती दौर में कई तरह की असफलताओं को झेलते हुए पहुंचे हैं।
जितनी ज्यादा असफलता आप झेल पाओगे, जितनी आपकी ताकत बढ़ती जाएगी, यानी जो बड़ी सफलता आने वाली है उसको झेल पाओगे। yes, yes. नहीं तो जो लोग असफलता नहीं झेलते हैं, बड़ी कामयाब एक तो सीधा हाथ फैले, वो झेल नहीं पाएगा, उसको बरकरार रख नहीं पाएगा। तो ध्यान रखें, असफलता होनी जरूरी है। झेल पाएंगे? झेल पाएंगे? उसको बोलो। तो ये सारे क्या है? इनविजिबल फॉर्मूला है सक्सेस का, इनविजिबल। नेक्स्ट भाई, आप सब लोग जो है कोई ना कोई काम पिछले कई सालों से कर रहे हैं, कोई जॉब कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई खेती बाड़ी कर रहा है, या कोई अलग प्रोफेशन जुड़े हुए हैं, कोई 5 साल से, कोई 10 साल से, कोई 20 साल से, कोई 25 साल से, कोई 40 साल से। यस सर। अगर मान लो अगर आप अगले 20-25 साल तक वही काम कंटिन्यू करते रहो तो क्या आपको वो लग्जरी लाइफ मिलेगी? लेकिन आपको वो लग्जरी लाइफ चाहिए तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? जीवन की नई शुरुआत, आपको रास्ता बदलना पड़ेगा, जिंदगी की एक नई शुरुआत करनी पड़ेगी। करने के लिए तैयार और आसिंग के द्वारा उसकी शुरुआत करने में आपके पास एक एडवांटेज है, बहुत बड़ा एडवांटेज। वो एडवांटेज ये है कि आपको अपना पुराना काम छोड़ना नहीं पड़ेगा। सबसे बड़ा एडवांटेज कि आप जो करते आ रहे हैं वो करते रहिए, पार्ट टाइम 1 घंटा 2 घंटा अगर आप आसिंग के द्वारा नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं तो अगले 5 साल में आपके पास वो आसिंग की लग्जरी लाइफ होगी। और नई शुरुआत कब होती है? नई शुरुआत की पहली कंडीशन होती है वो है चेंज, परिवर्तन। पहली शुरुआत ही परिवर्तन होती है। और प्रकृति का नियम है, विज्ञान ही बोलता है कि जो व्यक्ति परिवर्तन के साथ अपने अंदर परिवर्तन करता रहता है वो जिंदगी में प्रोग्रेस करता है, वो आगे बढ़ता रहता है। और जो लोग प्रोग्रेस नहीं करते, परिवर्तन नहीं करते अपने अंदर, वो बैकग्रेड होते हैं, उनकी वैल्यू खत्म हो जाती है। मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूं, सुनना चाहेंगे? yes! आज से करीबन 1995 में पहली बार इंडिया में मोबाइल सर्विस चालू हुई थी, मोबाइल सर्विस इंडिया में पहली बार। और फॉर्चुनेटली सबसे पहली मोबाइल सर्विस शुरुआत हुई थी कलकत्ता से, बॉम्बे दिल्ली से नहीं हुई थी, कलकत्ता से शुरुआत हुई थी। और उस जमाने में मैंने मोबाइल सिम खरीदा था 1995 में, जिसका दाम था 3,000 रुपये सिम कार्ड का। आज कितना है? उस जमाने में कॉल चार्ज होते 16 रुपया इनकमिंग और 16 रुपया आउटगोइंग, यानी इनकमिंग कॉल में भी पैसा लगता 16 रुपया और 16 रुपया आउटगोइंग। आज कितना है? उस जमाने में मैंने मोबाइल खरीदा था हैंडसेट, इतना बड़ा मोबाइल, इतना बड़ा एंटीना, ब्लैक एंड व्हाइट, कोई फीचर यूज करने के, केवल आप फोन कर सकते हैं, फोन रिसीव कर सकते हैं, 100 लोग की फोन बुक थी, एसएमएस भी नहीं कर सकते थे, एसएमएस के लिए उसमें पेजर हुआ करता था, पेजर, उसमें एसएमएस सर्विस भी नहीं थी और उसमें कोई फीचर नहीं। वो मोबाइल फोन मैंने खरीदा था 45,000 रुपये, 45,000। अभी कुछ दिन पहले, 2 साल पहले घर में सफाई पर वो मोबाइल फोन निकला तो मैंने सोचा 45,000 का मोबाइल फोन, चलो किसी को दे देते हैं। मैंने 2-3 दिन से पूछा कि ये 45,000 का मोबाइल फोन है, चलो ऐसे ही लेगा बेलना कहीं ऐसे पूछा, हर व्यक्ति ना कोई लेने के फ्री में। बाद में मैंने कहा लगाया, मैंने एक दिन को ऑफर दिया
कि ये काम करती है, मोबाइल ले जा, ऊपर से 500 रुपये और ले जा। बोले 500 ले जाऊंगा लेकिन मोबाइल नहीं। सोचे उस 45,000 के मोबाइल का कोई लेने वाला नहीं फिर, क्यों? क्योंकि 95 से लेकर 2017 तक टेक्नोलॉजी में इतने परिवर्तन आ चुके हैं कि आज 500 रुपए के मोबाइल फोन में उससे 1,000 गुना ज्यादा फीचर है। yes, yes. yes. इसलिए आज की डेट में उस 45,000 के मोबाइल की वैल्यू जीरो। और इसी तरह अगर इंसान अपने अंदर परिवर्तन नहीं करेगा तो उसकी वैल्यू भी जीरो हो जाएगी। अपने घर में अपने आस पास देख सकते हैं कि जिन लोगों ने अपने अंदर परिवर्तन नहीं किया वही पुरानी उचारों में पड़े हुए हैं। आज मैक्सिमम की वैल्यू क्या है? बस कोने में पड़े हैं। तो चाहते हैं अगर आपकी वैल्यू जीरो नहीं हो तो परिवर्तन साथ अपने अंदर परिवर्तन लगातार करते रहिए, ठीक है? और आज मैं आज कामयाब हूं तो सिर्फ एक कारण से, आरसीएम में कामयाबी का एक ही कारण है, वो है चेंज। आज से करीबन 14 साल पहले जब मैंने आरसीएम की करने का निश्चय किया कि आरसीएम करना है, तो आरसीएम से पहले मैं सब कुछ ब्रांडेड चीजें यूज करता था और सारी इंपोर्टेड बैंकिंग में थी। मेरे एक एक शर्ट हुआ करते थे 4,000, 5,000, 3,000 के शर्ट, एक एक सूट मेरा 25,000, 30,000 का सूट, मेरे के जूते 8,000, 10,000 के, साबुन यूज करता था वो 250 रुपये, वो सारे इम्पोर्टेड और पर्टिकुलर ब्रांडेड, दूसरा जो करता नहीं था। एक एक मेरे शैम्पू हुआ करते थे 1,200 रुपये, 1,500 रुपये के शैम्पू, लेकिन आरसीएम पे जब करने का निश्चय किया तो मैंने देखा प्रोडक्ट तो है ही, और जो प्रोडक्ट है वो है 3 पैंट और 3 शर्ट का पीस, रेडीमेड नहीं। उसमें 1480 रुपए में किट आती थी 3 पैंट और 3 शर्ट, तो हमारे जमाने में बैग भी चालू नहीं हुआ था, कार्टून में आया करता बैग बाद में आया। अब सोचो कि मैंने देखा कि अगर मुझे आसम में कामयाब होना है तो मुझे ये चेंज करना पड़ेगा, तो मैंने उसी दिन वो 3 पैंट 3 शर्ट को सिलवा दिया। और जिस दिन वो सिल के आए वो दिन है और आज का दिन है, मेरे पूरे बदन पर आपको जो मिलेगा ओनली आरसीएम। मेरे जूते आरसीएम है, मेरे मोजे आरसीएम है, मेरे शर्ट आरसीएम, मेरा पैंट आरसीएम, मेरा कोट आरसीएम, अंदर भी सारा आरसीएम। मैंने जो साबुन लगाया वो आरसीएम, शैम्पू लगाया वो आरसीएम, जो घर में खाते हैं वो आरसीएम, सब कुछ आरसीएम। अगर मेरा हाथ काट के खून निकलेगा उसमें से भी आवाज आएगी जय आरसीएम। चेंज, सोचिए अगर ये मैं चेंज नहीं करता तो क्या मैं कामयाब होता? नहीं। क्या आप लोग मुझे सुनने आते? नहीं। कोई चांस नहीं। मेरे जिंदगी में कभी लोकल बस में सफर नहीं किया आसन से पहले, जैसे आपके बॉम्बे में है, बॉम्बे से बहुत बड़ा नेटवर्क बसों का नेटवर्क, कलकत्ता में इससे भी बड़ा, वहां पर बहुत ज्यादा वैरायटी ऑफ बसेस है। और वहां पर बसों की हालत ऐसी है कि आप ऑफिस आवर्स में आपको बैठने की जगह छोड़ दी जाओ, खड़े होने की जगह भी नहीं मिलेगी, केवल एक जगह मिलेगी वो है लटकने की। जिंदगी में पहली बार मैं लोकल बस में बैठा कंधों पर 4 किट 5 किट लेकर, जबकि मैं अपनी कार में जा सकती इसी कार में आराम से, लेकिन मैं बस में गया। मैंने जिंदगी में कभी लोकल ट्रेन में सफर नहीं किया आसन से पहले, जैसे आपको बॉम्बे में लोकल ट्रेन का नेटवर्क है वैसे ही हमारे कलकत्ता में बंगाल में पूरा वैसा ही नेटवर्क है, सेम लोकल ट्रेन का बहुत बड़ा नेटवर्क है। और वहां पर ज्यादातर आबादी जो है कलकत्ता के स्टेशन पर
हर रोज 50 लाख लोग लोकल ट्रेन में सफर करते हैं, 50 लाख। मैंने जिंदगी में पहली बार लोकल ट्रेन में बैठा है, जनरल क्लास में, वहां पे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में बिजनेस फेयर है, कोई 2 घंटे की दूरी पर, कोई 3 घंटे की दूरी पर, कोई 5 घंटे, सिलीगुड़ी तक गया वहां पर 10 घंटे की दूरी। और वहां पर क्या है, जैसे आपको बॉम्बे में आपको ट्रेन में बैठने के लिए कुछ जरूरत नहीं है, गेट के सामने खड़े हो गए, भीड़ अपने आप अंदर घुसा लेंगे। वो अंदर घुसने के बाद क्या सिचुएशन कैसी रहती है कि अगर आप अंदर घुस गए और जहां खड़े हैं वहां से हिल नहीं सकते, अगर आपको दाया देखना है तो यू घुमा के नहीं दे सकते, दाया देखना तो ऐसे देखना पड़ेगा, माया ऐसे वैसे ही वहां पर रहा। उस सिचुएशन में 10 के 5 फीट अपने साथ धोकर 4 घंटे का सफर, 5 घंटे का सफर खड़े खड़े करते थे, जबकि मेरी हैसियत थी कि मैं एसी फर्स्ट क्लास में जा सकता था, फ्लाइट से जा सकता था, लेकिन नहीं। शुरुआत में हम लोग कहीं बाहर जाते होटल रुकते, 50 रुपए की डॉर्मेट्री, जहां पर टॉयलेट भी कॉमन हुआ करता था, अटैच नहीं हुआ करता, उस पूरे फ्लोर में जितने डॉर्मेट्री थे सारे के लिए एक ही टॉयलेट, उसमें रहते। जबकि मेरी हैसियत थी मैं 5 स्टार होटल में रुककर आराम से 2 स्टाफ लेकर बिजनेस कर सकता, लेकिन नहीं, क्योंकि मेरे जिंदगी में गोल था, मकसद था कि वो सारे कष्ट, वो सारी पीड़ाएं सबसे पहले मैं सहूंगा जो एक आम आदमी इस बिजनेस करने के लिए सहेगा। अगर वो कष्ट सहकर मैं कामयाब हो गया तो भारत के हर आम आदमी को हम आज से स्टार बना सकते हैं। इसीलिए लोग बंगाल टाइगर बोलते हैं। चेंज कर पाएंगे तो हमारे जवान में संघर्ष बहुत ज्यादा था, अभी सब कुछ तैयार है, अभी वैसे संघर्ष है ही, वैसा अभी संघर्ष करने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन आपको बदलाव जरूर करना पड़ेगा। कर पाएंगे? कर पाएंगे? तो बोलो इधर। ये है फार्मूला ऑफ सक्सेस। बहुत सारे लोग हैं, उनके अंदर बहुत टैलेंट है, बहुत ज्यादा काबिल व्यक्ति है, वो आंसू में डायमंड होने की क्षमता रखता है, लेकिन एक चीज कमी है, चेंज। बदलाव के लिए तैयार नहीं, वो कामयाब होगा तो परिवर्तन। और देखिए चेंज का एक फॉर्मूला है, देखिए किस तरह से चेंज काम करता है, ये देखिए यहाँ पे नाकामियों को शिक्षा देते हैं कि जब किसी जगह पर नई सोच को प्राथमिकता नहीं दी जाती तो वो जगह जल्द ही इतिहास का हिस्सा बन जाती है। सिर्फ यहूदी नहीं, दुनिया की कई बड़ी कंपनियां जब समय के साथ खुद को बदल नहीं पाई तो उन्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी। और ऐसी ही एक और कंपनी है नोकिया। 1991 में पहली बार फिनलैंड के प्रधानमंत्री ने नोकिया द्वारा बनाए गए उपकरण से दुनिया की पहली GSM कॉल की थी, यानी मोबाइल कॉल की। लेकिन 2009 आते नोकिया मोबाइल फोन मार्केट में अपना शेयर गंवाने लगी। नोकिया के साथ समस्या ये थी कि वो ऑपरेटिंग सिस्टम्स में हो रहे क्रांतिकारी बदलाव की ताकत को पहचान नहीं पाई और पुराने ढंग से ही चलती रही। इसके बाद खराब दौर से गुजर रही नोकिया को वर्ष 2013 में माइक्रोसॉफ्ट ने खरीद लिया। इसी तरह सन 1888 में दुनिया के पहले कैमरे का निर्माण करने वाली कंपनी कोडैक भी समय के साथ खुद को नहीं बदल पाई और कैमरा बेचने के मामले में दुनिया की कई कंपनियों से पिछड़ गई। आपको जानकर हैरानी होगी कि डिजिटल कैमरे का निर्माण कोडैक ने वर्ष 1975 में ही कर लिया था, लेकिन खुद कोडैक डिजिटल फोटोग्राफी की ताकत को नहीं पहचान पाई और 2012 में कोडैक कंपनी दिवालिया हो गई। ब्रिटिश लेखक जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कहा था, प्रोग्रेस इज इम्पॉसिबल विदाउट चेंज एंड दोज हु कैन नॉट चेंज देयर माइंड्स कैन नॉट चेंज एनीथिंग। यानी बदलाव के बिना तरक्की हासिल नहीं की जा सकती और जो लोग वक्त के साथ अपने सोचने का तरीका नहीं बदल पाते वो कुछ भी नहीं बदल सकते, यानी वो कुछ भी नया नहीं कर सकते। याहू
नोकिया और कोडेक जैसी कंपनियों को चलाने वाले लोग वक्त के साथ अपनी सोच को बदल नहीं पाए और शानदार शुरुआत के बावजूद वक्त से पहले इतिहास का हिस्सा बन गए। हमने अपने इस डीएनएस के जरिए आपको यही बताने की कोशिश की है, हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि बदलाव प्रकृति का नियम है, इसलिए नए तरीके से सोचिए, नए आइडियाज पर काम कीजिए, नए लोगों से मिलिए, नई सोच अपनाइए। ये सब करने के लिए आपके पास किसी बड़े गोल यानी बड़े उद्देश्य को होना जरूरी नहीं है, क्योंकि जीवन को छोटे छोटे बदलावों से भी सुखद और मंगलमय बनाया जा सकता है। होना ये चाहिए कि आपके पास एक उद्देश्य होना चाहिए, चाहे वो उद्देश्य बड़ा हो या उद्देश्य छोटा हो, लेकिन उद्देश्य होना जरूरी है। इसलिए हम चाहते हैं कि आप रोजाना एक जैसा जीवन ना जिए, हर दिन कुछ नया करने की कोशिश करें ताकि आप इस दौड़ में पीछे ना रह जाए। तो अब तक इतिहास गवाह है, जिन लोगों ने बदलाव नहीं किए वो डंप हो फिनिश। तो ध्यान रखें कि डायरेक्ट सेविंग सिस्टम जो है, जिसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे थोड़ी देर में, कि डायरेक्ट सेविंग सिस्टम एक बहुत बड़ा बदलाव है पूरे समाज में, पूरे देश में, पूरी दुनिया में, बिजनेस की दुनिया में। इतना बड़ा बदलाव है कि जिसकी क्रांति अगले 5 सालों के अंदर आप देख पाएंगे, और इस बदलाव को जो आज समझ लेगा वो आज से स्टार्ट करने लगेगा। इसलिए अपने अंदर वैसे बदलाव चालू कर लीजिए, और वैसा बदलाव रोज जो करता रहेगा वो देखिए कमाल का बिजनेस करेगा। और देखिए ये 5 MB की हार्ड डिस्क है, 1956 में कितने की है 5 MB की हार्ड डिस्क, कितनी बड़ी है उसको 10 लोग चाहिए उठाने के लिए, और आज 128 GB की पेन ड्राइव कितने आती है, देखिए चेंज कितना बड़ा बदलाव है। 10 लोगों का काम एक उंगली से उठा सकते हो, दैट इज फॉर टेक्नोलॉजी। और आरसीएम और डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम आने वाले समय में आपको करोड़पति नहीं अरबपति बनाएगा। अभी आपको लग रहा हो कितने लोगों का बोझ है, अगले 5 साल में ये उनकी प्रेरणा वाला काम होगा। तो इस बदलाव उसका सामना क्या है, यानी अगर आपकी सोच में परिवर्तन आएगा तो आपके आप अलग महसूस करेंगे, यानी कि आपकी अंदर की फीलिंग में भी बदलाव आएगा, और तब नया विश्वास पैदा होगा। जब नया विश्वास पैदा होगा तो आपका नया एक्शन चालू होगा, नया एक्शन चालू होगा तो आपके लिए नई परिस्थितियां बननी शुरू होगी और आपके सामने नया नया रिजल्ट आएगा। देखिए मैं आपको बताऊं कि आरसीएम बिजनेस से पहले डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के बारे में, मल्टी लेवल बिजनेस के बारे में मेरी धारणा बहुत ज्यादा खराब थी। सच बताऊं तो मैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस से घृणा करता था। मेरी ऐसी सोच थी कि ये जो है लोगों को बेवकूफ बनाने वाला बिजनेस है, और जिनके पास कोई काम दाम नहीं है, जो लोग गलत लाइनों में है, वो लोग ऐसा बिजनेस करते हैं। ऐसी मेरी सोच थी, घृणा करता था ऐसे लोगों से। और जब मैंने आरसीएम बिजनेस को स्टडी किया, समझा, उससे मुझे लगा कि इससे हम समाज में और देश में बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं, लाखों करोड़ लोगों को रोजगार दे सकते हैं, लाखों करोड़ लोगों के सपने पूरे कर सकते हैं, लाखों करोड़ लोगों का जीवन बदल सकते हैं, तो अचानक मेरी सोच बदल गई। जैसे ही सोच बदली आरसीएम के बारे में, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के बारे में, मेरा फीलिंग चेंज हो गया। जो घृणा थी वो प्यार हो गई, उसके बाद एक नया विश्वास पैदा हुआ कि यस ये बिजनेस करना चाहिए। और जैसे मेरा विश्वास पैदा हुआ, मेरा एक्शन चालू हो गया, मैं लोगों को आरसीएम बारे में बताना शुरू किया ना? और हुआ कि मैंने शुरुआत में अपने करीबी लोगों में 10, 20, 25 फिर ऐसे 100-200 लोगों को बिजनेस बताया, नई कंडीशंस पैदा हो गई। रिजल्ट क्या मालूम,
कि आज उन 200-300 लोगों को जिन्होंने मैं ज्वाइन कराया, आज उनके माध्यम से 20 लाख लोगों ने तो जैसे ही आपकी आशीर्वादी धारणा बदलेगी, आप देखेंगे आप अलग महसूस कर रहे हो, फीलिंग चेंज हो, फिर आपका नया एक्शन चालू होंगे, नए रिजल्ट आपके सामने, नई परिस्थिति पैदा होती है। परिस्थिति अपने आप पैदा हो जाएगा, तो आप एक्शन करो। परिस्थिति पैदा होना निश्चित, क्योंकि विज्ञान है, होगा ही होगा। यस और नो? यस। भाई जिन्होंने भी पहले निर्विश्वास कुछ था क्या? नहीं। जब आया आपके पास में, आपको उस विश्वास पैदा हुआ, बहुत सारे लोगों ने उस प्रोडक्ट को शेयर किया, लोगों को बताया, एक्शन किया, परिस्थिति बदली की बदली। उसकी वजह से आज कितने सारे रिजल्ट आ रहे हैं। सिंपल। तो ध्यान रखें कि आपका इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज है, आपकी थॉट चेंज होनी। इसी तरह से देखो कि आदमी सोच को बदल दे, एक पॉजिटिव वे में हम अप्रोच करें तो परिस्थिति बदल जाती है और रिजल्ट आता है। देखिए किस तरह से। रिटायर टीचर हूं बेटा, उम्र भर बच्चों को सिखाया कि रिश्वत लेना देना गलत है, और आज मुझे ही अरे अफसर कहता है 5,000 को, 2 साल हुए पेंशन ही शुरू कर रहा है। बड़ी तकलीफ में हूँ बेटा। पेंशन तो तेरा भाग है अंकल, उसका बाप भी देगा। क्या करूँ बेटा, तुम बताओ। उसको शर्मिंदा कर, वो जो भी कर रहा है दुनिया को बता। एक आइडिया देता हूँ। नमस्ते, ये 1200 है। 1200 से दूसरी होता मास्टर, क्यों बताने आ जाते हो? धीरे रखो बेटा, और दे रहा हूं। ये चश्मा 500 का है, ये घेरी है 500 की, घड़ी 800 की है, डायबिटीज की गोलियां 18 रुपए। ये सब क्या हो मास्टर? रुकिए रुकिए एक मिनट। अरे क्या कर रहे हो? शर्ट 200 की है मास्टर जी। बहुत हो गया, एक मिनट। अरे मास्टर जी ये बनियान 25 की बनियान, बेल्ट 100 रुपये, शूज 300 रुपये के है। क्या कर रहे आप? बस करो मास्टर जी, अरे बस करो। लेकिन जैसे ही नई सोच अपनाई, हाथों हाथ पेंशन मिली। तो अगर पुरानी सोच के साथ आसन करते रहोगे तो जिंदगी में धक्के खाते रहोगे। जैसे ही नई सोच के साथ करोगे तो आपको एक साल में जो 5 साल नहीं हुआ वो 1 साल में आपको। तो सरकार ही है फॉर्मूला ऑफ सक्सेस, चेंज योर। इसीलिए दूसरा है फॉलो सक्सेस विजन। बहुत सारे लोगों के पास क्या है, सब कुछ है, एजुकेशन है, पैसा भी है, अनुभव भी है, टैलेंट भी है ना, सब कुछ है, लीडरशिप भी है, सब कुछ है, लेकिन विजन नहीं है।
अगर आपको आश्रम को लेकर आपकी विजन में कमी है तो मान के चलो आपकी जितनी भी क्षमता हो कोई काम नहीं करेगी। आपके पास विजन होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग विजन, क्लियर विजन। भाई हम लोग इतना स्ट्रगल क्यों कर पाए, इतना कठिन संघर्ष, मैं क्या बताऊं, कठिन संघर्ष। हमारे समय में क्या मालूम है, 100 लोगों को प्लान देते थे तब एक व्यक्ति ज्वाइन करता था। उस दिन की खुशी होती थी कि आज ये व्यक्ति ने हाँ बोल दिया, एक व्यक्ति। हमारे जरूरत निकल सकते होते नहीं थे। मुझे याद है कि मैं पटना से माल लाया करता था, पटना से 12 घंटा लगता है पटना जाने में, 650 किलोमीटर दूर, वहां से 10 फीट 5 फीट उठाने का माल आया। हमने जो पहला पिकअप सेंटर खोला था बंगाल में, मालूम कैसा था, एक सज्जन व्यक्ति थे, उनका घर था, घर के सामने एक दरवाजा था, उस दरवाजे को खोलकर अंदर घुसेंगे तो वो था उनका ड्राइंग रूम। उसके सामने एक दरवाजा और था, उसको खोलकर अंदर घुसेंगे तो वो था उनका बेडरूम। बेडरूम में एक पलंग लगा हुआ था बेड, और उसके नीचे था पिकअप सेंटर। बाद में वो सेंटर, पिकअप सेंटर पलंग के नीचे से निकलकर उनकी आलमारी में आया, आलमारी से निकलकर उनके ड्राइंग रूम में आया, वहां से निकलकर उनके गैराज में आया, गैराज से निकलकर छोटी दुकान में आया, छोटी दुकान से बड़ी दुकान में आया, बड़ी दुकान से बाजार में आया, और आने वाले 5 साल बाद बाजार से बड़े बड़े मॉल में आया। और ये बात हमें तब से मालूम है जब पलंग के नीचे भी कसंद नहीं था कि ये भी पलंग के नीचे से ये मौत तक आएगा। विजन क्लियर और ये है सक्सेस जर्नी ऑफ सक्सेस। अब इसमें कोई लोग है पलंग के नीचे देख के भागे, कई लोग अलमारी देख के टिक रहे हैं उसको देख के भागे, यानी कि पलंग के नीचे से निकलकर बाजार तक की जर्नी में तक जो टिका रहा वो सारे के सारे आज आसन के टेक्निकल अचीवर। और ये विजन क्लियर है कि आने वाले 5-10 साल बाद ये बड़े बड़े मॉल के रूप में आसन आएगा। यस अब जिसके पास ये विजन नहीं है, अब बताओ क्या वो करोड़ों का बिजनेस कर पाए? हमारे पास विजन था इसलिए हम लोग कर, इसीलिए विजन, विजन जो है वो आपको आश्रम में सबसे बड़ी ऊर्जा का काम करेगा, वो आपको कहां से कहां रखेगा, क्योंकि वो आपकी शक्ति को इतना बढ़ा देगा, वो आपके एक्शन को इतना जोर कर देगा कि कामयाबी को तो झक मार के आना पड़ेगा। तो इस विजन के बारे में हम चर्चा करेंगे। विजन क्या है कि जो चीज, भाई जो लोग नाकामयाब लोग हैं वो ऐसे देखते हैं, अभी मैं तो यही भाई साहब दिखाई देते इतने दुखी क्यों हो गए, ठीक है। तो अगर आप विजन नहीं है तो सब कुछ छोटे दिखाई देगी, एक 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 एक, लेकिन जैसे ही आपका विजन बनेगा क्लियर होगा, ब्रॉड होगा, आपको एवरीथिंग बड़े 70 mm के कैनवास में दिखाई देगी। ऐसे आपको सब दिखाई देगा कि 1 साल बाद क्या होगा, 5 साल बाद क्या मिलेगा, 10 साल बाद क्या होगा, 25 साल बाद क्या होगा, और मेरे मरने के बाद भी क्या मिलेगा, आपको क्लियर दिखाई देगा एवरीथिंग, हमें दिखाई देता है। इसीलिए किसी माई के द्वारा ताकत नहीं है कि हमें दया न कर। सो तो आज मैं आपको बहुत सारे विजन दिखाऊंगा आश्रम के बारे में, क्योंकि ये शक्ति आपको मिलेगी
तो आप बड़े से बड़ा काम कर पाएंगे। सबसे पहले हम बात चर्चा करेंगे, ये पूरा साइंटिफिक है, सीक्वेंस है पूरा। जैसे ही आपका विजन तैयार होगा, विजन क्लियर होगा, वैसे ही चमत्कार होगा। विजन रेडी होते ही आपके लिए आसी बिजनेस क्या हो जाएगा। मेरे लिए जीवन का मिशन है कि किसी भी हाल में हो कि आपसी में जो व्यक्ति है उन सबको कामयाब करना है, उसकी कामयाबी में मेरे को भागीदार बनना है। मिशन है भारत को आर्थिक रूप से आजाद करना है। मिशन है वो, जिस दिन मिशन आपका बन जाएगा उस दिन ईश्वर खुदा आपके साथ हो। सही मायनों में आपका तैयार होगा आपका गोल बनेगा और तब जाकर आशीष बनेगा। आप बोलते हैं मैंने जब आशीष ज्वाइन किया कभी पैसा देखते नहीं, कितना पैसा आया, आज भी नहीं देखता। सिर्फ एक ही मिशन है कि कितने लोगों को और हम कामयाब कर सकते हैं और कितना हम काम कर सकते हैं, कितने लोगों तक पहुंच सकते हैं, कितने लोगों को इस बिजनेस के बारे में जानकारी दे सकते हैं, कितने लोगों की कामयाबी में अपना कुछ भी योगदान कर सकते हैं। एक ही मिशन है और उसका नतीजा ये हुआ कि जिंदगी में मैंने बहुत ज्यादा गोल नहीं बनाया, क्योंकि मिशन बना गया गोल अपने आप बनते चले गए। 3 महीने में लौटी, 6 महीने में टिकट, 1 साल में मैं था स्टार एम्बेसडर। डेढ़ साल में नहीं बनी, कब बना पता नहीं चला। क्यों? क्योंकि मिशन के तौर पे काम कर रहे थे, एवरीथिंग जस्ट हैपेंड। इसी ध्यान रखें कि जैसे आप मिशन रहोगे, कितने लोग बनाने दिया मिशन पक्का होना है, इच्छा सकती है तो सब बोलोगे इधर। चलिए मैं आपको दिखाता हूं कुछ विजन, अभी जो करंट डेवलपमेंट है इस इंडस्ट्री में उसके बारे में चर्चा करता हूं। नंबर वन, पहले बैलेट सेलिंग बिजनेस को लेकर भारत सरकार की कोई भी गाइडलाइन नहीं थी, कोई लॉ नहीं था, कोई पक्का काम नहीं। अभी क्या है कि पहले केरला गवर्नमेंट ने गाइडलाइन दी, फिर राजस्थान गवर्नमेंट ने दी और अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को लीगल बिजनेस घोषित कर दिया है, इसको दे दिया है इंडस्ट्री का दर्जा। इसके लिए अब उन्होंने पूरा अलग कर दिया। पहले क्या था, जो चीट फंड कंपनियां हैं, जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां हैं, दोनों एक को मानते थे। अभी चीट फंड कंपनियां मनी सर्कुलेशन कंपनी को अलग कर दिया है, उनको पूरा बंद कर दिया है, बैन कर दिया है। अब कोई कंपनी वो नहीं चल रही, इसी तरीके सहारा तक को नहीं छोड़ा क्योंकि वो मनी सर्कुलेशन सारी कंपनियां सब अब चलेगी, मात्र प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां जो रियल डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है उसके लिए लॉ बन चुका, गाइडलाइन आ चुका। अब इससे क्या होगा, इससे ये हो गया कि अब हमारा भविष्य इस बिजनेस में जितने लोग जुड़े हुए हैं उनका भविष्य परमानेंट सुरक्षित हो गया है, सिक्योर। अब आपका कोई भी बाल बाखा नहीं कर सकता। और अब इसको जब इंडस्ट्री का दर्जा मिल गया है तो अब देखिए क्या होगा, अब देखिए इसमें कितना कमाल होगा। नंबर टू, अब ये एक रिकॉग्नाइज्ड इंडस्ट्री बन चुकी है। इससे पहले क्या था कि ये रिकॉग्नाइज्ड इंडस्ट्री का दर्जा नहीं था, तो कोई भी बैंक, कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कोई भी तरह के चीजों में इसको वैसा इंपॉर्टेंस, वैसा इसको वैल्यू नहीं मिलती थी। अब उसको वैल्यू मिलनी चालू हो चुकी है।
रिकॉग्नाइज्ड स्टूडेंट। अब इससे फायदा क्या होगा? अब इसमें सारे बैंक, सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एनआरआई फंड, फॉरेन फंड अब इसमें आ गए। सब लोग, सारे बैंक अब फंड करने के लिए तैयार बैठे हुए। अभी ये उम्मीद है कि अगले 5 साल में बैंकों का करीबन 50,000 करोड़ से लेकर 1,00,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट केवल डायरेक्ट सेविंग कंपनियों में होगा। सोचिए जिस इंडस्ट्री में इतना पैसा इन्वेस्ट होगा, इतना पैसा आएगा, वो इंडस्ट्री बढ़ेगी कभी ग्रो पाए। और जो इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं उनका भविष्य शुरुआत, क्योंकि इसी साल अभी 5-7 महीने पहले ये सेंट्रल ने गाइडलाइन इशू की है, तो अब इसी शुरुआत है। अब फंड आने चालू हो चुके हैं, ठीक है। अब होगा क्या? एज पर रिपोर्ट, केएमपी की रिपोर्ट के अनुसार डायरेक्ट बिजनेस में भी 65,000 करोड़ का होने वाला है, जो अभी मात्र 8,000 करोड़ का है। यानी 2025 तक जो बिजनेस आज सब सारी इंडस्ट्री मिलाकर 8,000 करोड़ का बिजनेस कर रही है, अगले 7-8 साल में वो कितने का बिजनेस करेगी? 65,000 करोड़। कितने गुना होगा? 8 से 9 गुना बिजनेस बढ़ेगा। सोचिए 8,000 करोड़ में इस बिजनेस से लोगों ने अपना खुद का हेलीकॉप्टर और अपना एरोप्लेन खरीद लिया है। जब 65,000 करोड़ का होगा तो आपके नौकर भी मान पर आपका नौकर भी सब्जी लेने जा रहा है तो काम ले जा रहा है। करो, ये अभी शुरुआत है। अभी इसका रूप अगले साल के एंड तक आपको इसका पूरा रूप दिखना शुरू होगा, क्योंकि अभी फंडिंग चालू हुई है। और अब क्या होगा? चूंकि अभी तक इसको इंडस्ट्री का दर्जा नहीं मिला हुआ था और चीट फंड कंपनियों ने इसकी गुडविल और रेपुटेशन को खराब कर रखा था, तो अब क्या होगा कि इसको इंडस्ट्री का दर्जा मिलते ही इतने फंड आते, अब इसके लिए स्पेशल कोर्स चालू होने हो चुके हैं। एमबीए का कोर्स चालू हो चुका है डायरेक्ट सर्विस के ऊपर, और आने वाले समय में आपको स्कूल और कॉलेज में भी इसका सब्जेक्ट, इस पर स्पेशल डिप्लोमा कोर्स चालू होने वाले हैं। यानी आने वाले समय में, अभी तो आपको 8 से बड़े आसानी से मिल रहा है, आने वाले 5 साल में वो स्थिति आने वाली है कि अगर किसी को आरसी में ज्वाइन करना होगा तो सबसे पहले उसको इसका डिप्लोमा करना पड़ेगा, उसको पहले एग्जाम देने होंगे, सर्टिफिकेट हासिल करना होगा, इंटरव्यू देना होगा, तब जाके वो आरसी ज्वाइन कर पाएगा। ये आने वाला वक्त बड़ा उदासीन होगा, मतलब क्या होगा? आने वाले 5 साल बाद मुझे पूरा विश्वास है कि आप सारे सारे डायमंड हो गए आरसी में। विश्वास आपको? विश्वास है? अब ये क्या होगा? अब आने वाले 5 साल बाद किसी को आरसी ज्वाइन करना होगा तो आसानी से कर नहीं पाएगा। सबसे पहले उसका एग्जाम होगा, एग्जाम पास करेगा, उसके बाद इंटरव्यू देने आएगा। इंटरव्यू कौन लेगा? आप लेंगे। कौन लेगा? आप लेंगे। और उस वक्त आपको किसी को ज्वाइन करने के लिए किसी के पास जाना नहीं पड़ेगा, आप अपनी ऑफिस खोल के बैठेंगे। ऑफिस के अंदर एक शानदार चैम्बर होगा, चैम्बर के अंदर एसी चैम्बर में एक बड़ी सी टेबल होगी, उसके पीछे में एक रिवॉल्विंग चेयर होगी और उसके ऊपर बैठकर आप रन वाइज से घूम रहे होंगे। और आपके ऑफिस के आगे लंबी लाइन लगी होगी लोगों की, इंटरव्यू देने वालों की। और आप कुर्सी पर बैठे बैठे घूमते हुए मन में सोच रहे अब आओ सालो बहुत ना बोला तुमने, और आपके चैम्बर में एक एक करके लोग घुसेंगे इंटरव्यू के लिए। तूने मुझे 3 साल पहले ना बोला था, आप एक एक व्यक्ति को सेलेक्ट करेंगे, हाँ तू ठीक है चला जा।
तू रिजेक्ट। ऐसे ऐसे लोगों को चुन चुन कर रहा, लोगों को ज्वाइन करवाया करा। क्या करवा जी दिस इज विजन। पांच साल या दस साल के अंदर ऐसा होना निश्चित है। क्योंकि आप देखेंगे पहले आर्मी ने ज्वाइन कराने के लिए आर्मी भर्ती करने के आर्मी के लोग घर घर से लोगों को भाग रहे थे। कोई अपने बच्चों को भेजना चाहता नहीं था। अभी अभी के आर्मी की ज्वाइन आपको जल्दी से मिल जाएगी। कितने सारे पापड़ बनने के बाद मिले। पहले इंश्योरेंस आसानी से मिलता, अभी इंश्योरेंस एजेंट बनने के लिए आपको एग्जाम देने पड़ते हैं, आपको बहुत सारे प्रोसेस गुजरना पड़ता है, तब जाकर आपको इंश्योरेंस की एजेंसी मिलती है। आने वाले समय में आसन के साथ भी वैसा ही होने वाला है। इसीलिए साल दो साल और थोड़ा दर्द झेल लो, क्योंकि दर्द की कोख से भी डायमंड पैदा होते हैं। तैयार हो उसके लिए झेल पाएंगे, झेल पाएंगे। And most wanted career in future. आने वाले समय में गाइड सेलिंग बिजनेस जो है हर बच्चों की पहली प्रायोरिटी होगी एज ए करियर। अभी लोग बनना चाहते हैं कि डॉक्टर बन जाऊं, इंजीनियर बन जाऊं, एमबीए कर लूं, वो कर लूं, है ना। लेकिन आने वाले पांच साल के बाद अगर सबकी पहली प्रायोरिटी होगी कि ग्रेजुएशन करके या पोस्ट ग्रेजुएशन करके कौन सा काम करना है, तो वो होगा वो करने वाला है। आए हुए वक्त में लोग अपनी बहन या बेटियों के लिए दामाद के रूप में डॉक्टर या इंजीनियर नहीं खोजेंगे, वो आर्सेनियम का स्टार रूबी या डायमंड खोजेंगे। तैयार है उसके लिए। और ये देखिए गवर्नमेंट की पूरी रिपोर्ट ही आपको ऑफिशियली जो उन्होंने गाइडेंशन की है उसकी ये कॉपी है। आप चाहें तो गूगल में सर्च करके आपको वहां मिल जाएगी, आपको एक कॉपी उसको डाउनलोड कर सकते हैं और लोगों को दिखाइए, इसके फैक्ट के बारे में बताइए। और ये देखिए विद्यालय जल्दी इसके बारे में रिपोर्ट आती है। विद्यालयों में जल्दी ही शुरुआत होगी डायट संगीत क्लास। ऐसे बहुत जगह इसकी तैयारी चालू हो चुकी है, आने वाले समय में ये बहुत बड़ा रूप लेगा और इसके लिए स्पेशल कोर्स चालू होने वाले हैं। और ये देखिए रजत भाई हैं हेड कंज्यूमर मार्केट के एमडी, उन्होंने घोषणा की है कि आने वाले समय में जो डाई सेलिंग का बिजनेस है वो 8000 से पहुंचने वाला है 65,000 करोड़ का। उनका अनुमान 1.5 लाख करोड़ का है, लेकिन उन्होंने जो कहा है कि 65,000 करोड़ तो होगा ही होगा, मतलब मिनिमम इतना तो होना निश्चित है, मैं इसमें कोई प्रश्न चिन्ह नहीं कि नहीं होगा, होना निश्चित है। अनुमान उनका 1.5 लाख करोड़ का है। और इसीलिए ये देखिए उसमें सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन होगा वो 21,000 करोड़ का होगा, वो है हेल्थ सेक्टर का, यानी कि फूड सप्लीमेंट्स का, राइट। और इसीलिए देखें आप कि हमारे बहनों हेल्थ सेक्टर प्रधानमंत्री ने आज अगर गरीब के घर में बीमारी आ जाए, मध्यम वर्ग के परिवार के घर में बीमारी आ जाए, उसका पूरी आर्थिक स्थिति चरमरा जाती है, वो तमाम हो जाता है। और इसलिए हम अप्रोच को बदलने की आवश्यकता है, जैसे शिक्षा में टीचिंग अप्रोच को छोड़ करके लर्निंग अप्रोच पे जाने की आवश्यकता है, उसी प्रकार से हेल्थ के सेक्टर में आज हम सिकनेस को एड्रेस करते हैं, आवश्यकता है हम वेलनेस को एड्रेस करें। हम बीमारी की चिंता करते हैं, हम स्वास्थ्य की चिंता कम करते हैं, और इसलिए प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, फंडामेंटल फोर्सेस, ये सारी शक्तियों को कैसे जोड़ा जाए। भाइयों बहनों हेल्थ इंश्योरेंस की बातें बहुत हो रही है, 21वीं सदी में हमें गारंटी लेनी होगी हेल्थ इंश्योरेंस से हटना नहीं है, हेल्थ इंश्योरेंस का वादा करना होगा, हेल्थ इंश्योरेंस का वादा करके हमें आगे।
अब ये सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं बोलते, ये सरकार बोल रही है। और आपको मालूम है, आपको जानकारी के लिए, कोई भी स्टेटमेंट जब भारत का प्राइम मिनिस्टर दे या कोई प्रेसिडेंट दे या फाइनेंस मिनिस्टर दे या कोई भी कैबिनेट मिनिस्टर कोई भी स्टेटमेंट पब्लिकली देता है तो वो केवल अपने मन से नहीं देता, दे भी नहीं सकता, उसके पास उतना अधिकार होता भी नहीं। बता दूंगा आपको, उसके पीछे पूरी टीम काम करती है, उसके पीछे में करीबन कई सौ लोगों की टीम काम करती है जो रिसर्च करते हैं, पूरा सर्वे करते हैं, पूरा डेटा निकालते हैं, ना पूरा क्या क्या हो रहा है सब कुछ निकाल कर वो उनकी एक एडवाइजरी कमेटी होती है, वो उनको एडवाइस करती है कि हमें इस चीज पर काम करना है और आप इसके लिए स्टेटमेंट दीजिए। तो ध्यान रखें, ये केवल एक नरेंद्र मोदी नहीं दे रहा है, ये उसके पीछे में काम करने वाली जो रियल टीम है, जो लोगों से जुड़ी हुई है, लोगों को सब अच्छे लोगों को पूरा डेटा मालूम है, वो उनकी एडवाइस से बोल रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, इससे क्लियर क्वेश्चन मार्क निकल गया है कि सरकार की जो पॉलिसी है वो क्या है, वो वेलनेस इंडस्ट्री को बढ़ावा देने की, यानी कि आने वाले समय में इंडस्ट्री जो गवर्नमेंट है उसकी जो पॉलिसी है वो वेलनेस सेक्टर में कोई भी फैसिलिटी देने के लिए उसको बढ़ाने के लिए कुछ भी कर सकती है। तो इस इंडस्ट्री से जुड़े होंगे उनका भविष्य क्या होगा, हमें वो चीज पकड़नी है। किसने बोला उससे फर्क नहीं पड़ेगा, पॉलिसी क्या है वो मैं समझ बात को, इसीलिए ये इंडस्ट्री ग्रो करेगी निश्चित है। इसीलिए इस फूड सप्लीमेंट इंडस्ट्री के आधार पर जो लोग अपने अंदर उसको परिवर्तन कर लेंगे, अपने आप को अपडेट कर लेंगे, वो आने वाले समय में उसके पास वो लग्जरी लाइफ होगी। उसके बारे में चर्चा करते हैं अभी अपने। नंबर वन, सबसे पहले एडवांटेज आरसी पास में क्या है कि गवर्नमेंट की जो गाइडलाइन है, जो उन्होंने गाइडलाइन शुरू किया है उसको 100% जो फॉलो कर रही है स्ट्रिक्टली, बाजार में जितनी भी कंपनियां हैं कोई भी 100% फॉलो नहीं करती है, कोई 70% कर रहा है, कोई 50% कर रहा है, कोई 25% कर रहा है, कोई 90% कर रहा है, 100% केवल एक कंपनी कर रही है, वो है आरसी। भविष्य में कोई लोचा होने का चांस नहीं है, यानी कि सरकार हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी देगी वो है सर्विस। नंबर टू, सबसे बड़ी चीज जो गाइडलाइन में है दी वो क्या है कि वही कंपनी डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस कर सकती है जिनका खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, जिनका खुद का प्रोडक्शन हो, और उसमें कंडीशन है कि मिनिमम 60% प्रोडक्शन आपका खुद का होना चाहिए। और आपको जानकर के बता दूं, इंडिया में कोई भी कंपनी का प्रोडक्शन खुद का 5-10% से ज्यादा नहीं है, केवल एक कंपनी का है। तो अगर उसके आधार पर छटनी की जाए तो कंपनी एक ही बचेगी, वो है बाकी सब रिजेक्ट हो जाएंगे। लेकिन अब तो आसियन ओनली कंपनी है जो मोर देन 60% प्रोडक्शन खुद का फैक्ट्री में बनाती है ना, बाकी जॉब में बनाती है। तो हमारे साथ क्या है, आज आसियन प्लस में नंबर वन फूड सप्लीमेंट प्रोडक्ट इसको एशिया में आप जानते हैं, एशिया का बिगेस्ट अवार्ड मिल चुका है, भारत का इकोनॉमिक टाइम्स का मोस्ट प्रेस्टीजियस अवार्ड, बेस्ट फूड सप्लीमेंट ऑफ इंडिया उसका अवार्ड मिल चुका है ना, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स का नाम हो चुका है। यानी आज हमारे पास में इंडिया में आसिफ प्लस में एशिया का नंबर वन फूड सप्लीमेंट प्रोडक्ट है। अभी कुछ लोग जानते हैं, 5 साल में पूरी दुनिया जानते हैं। तो जो इसके साथ में है उसका भविष्य क्या होगा, विजन। इसी तरह अभी आपने देखा 5 जून को हमारा एक अमेरिकन कंपनी है FMC, बहुत बड़ी कंपनी है, मतलब वो रिलायंस की बड़ी कंपनी है, और उसके पास ऑप्शन थे, वो इंडिया की बहुत बड़ी बड़ी कंपनी से कोलाबोरेशन कर सकती थी, टेक्निकल कोलाबोरेशन,
वो अम्बानी के साथ कर सकती थी, टाटा के साथ कर सकती थी, बड़ी बड़ी फार्मा कंपनी है उनके साथ कर सकती थी, लेकिन सोचो उसने किसी को नहीं चुना, उसने चुना आरसीएम और बीटी जॉर्ज। यानी हमारे पास पूरा दूसरा कोई कर नहीं सकता, उसको मोनोपोली है। तो सोचो जिनके पास मोनोपोली टेक्नोलॉजी हो, मोनोपोली कोलाबोरेशन हो और इतनी बड़ी कंपनी साथ में हो, तो ये तो अभी शुरुआत ही है। सोचो 5 साल में किसका भविष्य बनेगा। लेकिन लोग चाहते हैं मेरा कभी बन गया, मैंने रात को सो सुबह उठी तो करोड़पति बन के उठू। सो इसलिए नेक्स्ट अभी ये अनुमान है, जो कम से कम अनुमान जो तैयारी अपनी है आसिम की और नीति जज की, ये अपना अनुमान है एकदम प्रैक्टिकल डेटा निकाल के बैठे हुए लोग कि अगले 5 साल में जो 68,000-65,000 का रेस होने वाला है टैक्स में, उसका 40% कंट्रीब्यूशन मेन होगा वो आरसीएम बिजनेस का। यानी 25,000 करोड़ के आसपास का बिजनेस का अनुमान होने लगा रहे हैं 2025 तक। यानी आज की डेट में आरसीएम का टर्नओवर 800 करोड़ का होगा, करीबन 1200 करोड़ का टर्नओवर आज की डेट में है, अगले 5 साल में कितने में होने वाला है 1200 करोड़ में। जब इतने सारे रॉयल्टी और टिकरिंग कर रहे हैं, जो 25,000 करोड़ का बिजनेस होगा, तो सोचो आपके पास कितना पैसा होगा, लेते लेते थक जाओगे। इतना पैसा आएगा कि एक दिन कंपनी फोन करोगे, सर किसी में लेते लेते थक गए और नहीं चाहिए, घर में भी जगह नहीं है, बैंक वाला भी बुला कर दो, आप कैसा करो मेरा फंड ट्रांसफर बंद कर दो और नहीं चाहिए, ऐसा वक्त आने वाला है। लेकिन अगले 5 साल में इंतजार कर पाओगे, कर पाओगे हिम्मत है के क्षेत्र में बहुत बड़ी क्रांति लाने की तैयारी कर चुकी, जिसके बारे में हम चर्चा करते हैं। ये ऑनलाइन बिजनेस टेक्नोलॉजी एक खुशखबरी है, सुनाओ क्या बता दो, बता दो नहीं बताओ, बता दो। एक नया व्यक्ति 1 तारीख को ज्वाइन करेगा, 30 तारीख को रोल कीजिए, कैसे हुआ अभी आपको आगे और जानकारी मिलेगी। जाओ स्टार्ट हो चुका है जुलाई से 100% किस पे होगा। अभी आपने सबसे बड़ा लोचा क्या था, वोटर का आ गया, वो नहीं आया, ये आ गया, वो नहीं आया, कोई का पैसा दे देकर लोगों ने पकड़ से थक गए। लेकिन जो अभी भी झेल रहे ये पीड़ा, उनको स्टार डेवन बनाने की पीड़ा है, क्योंकि कामयाबी भी किसके पेट में मिलती है, दर्द की गोद से। तो ये झेल रहे जो बर्दाश्त करते हुए, अब उनके लिए सुनहरा वक्त आने वाला है, क्योंकि अब ई केवाईसी, यानी कि अब केवाईसी क्या होगा, आधार कार्ड से लिंक करो, 2-4 डिटेल भरो, एक का चीज अपलोड करो, वो भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बैंक से लिंक हो जाएंगे। सरकार ने भी घोषणा कर दी है 30 जून के बाद अंदर जिनका बैंक अकाउंट आधार कार्ड से लिंक नहीं है उसका अकाउंट बंद हो जाएगा। यस अब आपको जुलाई से क्या हुआ, सारे बैंक आधार कार्ड
बैंक से लिखोगे आपको बैंक स्टेटमेंट कुछ नहीं चाहिए, आधार कार्ड दिया, स्पॉन्सर नंबर, प्रपोजल नंबर तुम्हारा, दो चार चीजें दी, उधर आपने सबमिट किया, 10 मिनट में आपके पास लिंक आएगा ईमेल पर, उस लिंक में क्लिक मारो, आधे घंटे में केवाईसी ओके, आधे घंटे में केवाईसी ओके। तो ये ई केवाईसी जो है रिवोल्यूशन आएगा, आपके काम को आसान बना देगा, है ना, आपके झंझट से मुक्ति मिल जाएगी, है ना, लेकिन आपको बहुत कुछ सिखा के गया। Yes. और देखो इस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को तो खुद हमारे प्राइम मिनिस्टर, उसको आप सिर्फ प्राइम मिनिस्टर को देखो, वो सरकार की पॉलिसी समझो कि करंट सरकार की पॉलिसी क्या है, क्योंकि वो जो स्टेटमेंट दे रहे हैं वो पीछे में उसकी पूरी टीम बना के देती है उसको, है ना, ऑफिशियली। मैं इस वैकेशन में मैं मेरे देश के नौजवानों को निमंत्रित करता हूं, इसमें एक योजना है रेफरल, यानी अगर आप किसी को भीम ऐप के संबंध में समझाएंगे, किसी मर्चेंट को समझाएंगे, किसी नागरिक को समझाएंगे, उसके मोबाइल पर भीम ऐप डाउनलोड करवाएंगे और आपकी प्रेरणा से वो 3 ट्रांजेक्शन करेगा, कभी 50 रुपए की चीज खरीदेगा, कभी 30 रुपए की खरीदेगा, कभी 100 रुपए की खरीदेगा, ये आपके द्वारा अगर हुआ है तो एक अगर आपने व्यक्ति को इसमें जोड़ा तो सरकार की तरफ से आपके खाते में 10 रुपया जमा हो जाएगा। अगर एक दिन में आप 20 लोगों को ये कर ले तो शाम को जेब में 200 रुपया आपके खाते में आ जाएगा। अगर वैकेशन के 3 महीना तय करने में रोज 200 रुपया कमाना है, बताइए मेरे नौजवान साथियों, ये कोई मुश्किल काम है क्या आपके लिए? सामने से कोई लेना देना नहीं, उसको सिर्फ सिखाना है, समझाना है। बात सुना जी? Yes. क्या करना है? Well? वो खूब निर्णय करते यानी ये कहां से आया, ये कीड़ा कहां से काटा, यानी वो ये पॉलिसी खुद अपने गवर्नमेंट पॉलिसी में लागू कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि वो डायरेक्ट सेलिंग से 100% कन्विंस्ड, उनकी पूरी टीम कन्विंस्ड है, और इसीलिए वो इतना बड़ा स्टेटमेंट दे रहे हैं। तो समझ लो कि सबका भविष्य क्या होने वाला है, अच्छे दिन आने वाले हैं। सो आज हम आपको, चलिए आज समय हमारे बहुत कम है भाई, टॉपिक तो हो चुके हैं, अब आज 15 मिनट है, आप भविष्य लिखना चाहेंगे कि ऐसे अब टेक्निक के बारे में बात नहीं हो पाएगी? भविष्य आने वाला जो समय अगले 5 साल में होने वाला है, ध्यान रखें, दिस इज अ विजन, लाइन लगने, ठीक है, और इसीलिए आपको क्या करना है, अभी सबसे पहले आपको जो तैयारी करनी है वो है इसकी, उसका बॉटम में समझिए, आपको 3 चीजों में काम करना है, नंबर 1 सेविंग्स, दूसरा है ट्रेडिंग और तीसरा है नेटवर्किंग। आपको एक साथ बताता हूं कि जिंदगी में पैसे कमाने का अपना एक विज्ञान है, बहुत लोगों की ये गलतफहमी है कि बहुत सारा महीने में पैसा आ गया तो वो धनी हो जाएंगे, तो ये गलतफहमी निकाल दो,
आप अगर 1 करोड़ मेहनत कमा रहे हो तो आप गरीब हो सकते हो बॉस, क्योंकि रुपया आपका मेन है। 1 करोड़ रुपया बॉम्बे में 1 दिन उड़ा रहा मामूली बात है। यस सर, मामूली बात है। और शेयर मामूल लोग रोज करोड़ का इधर उधर और बहुत तरीके हैं, ठीक है। तो ध्यान रखो पैसे कमाने का तरीका क्या है कि जो पैसा कमाते हैं, पैसा कमाने का भौगोलिक पूंजी नहीं चाहिए। आपके पास कम पूंजी है, कम पैसा भी है तो आप करोड़ कमा सकते हैं। वो करोड़ कमा कर भी कोई व्यक्ति कमा सकता है अगर वो साइंटिफिकली पैसे को इस्तेमाल नहीं कर रहे तो, है ना। उसका एक ही तरीका है कि जो पैसे कमाते हैं, जो धनी बनते हैं, वो कैसे बनते हैं कि वो जिंदगी भर एसेट्स बनते हैं। और जो गरीब होते हैं या आम आदमी होता है मिडिल क्लास, वो जिंदगी भर ऐसा क्यों होता है क्योंकि वो जिंदगी भर लायबिलिटी खड़ी होता है, वो एसेट्स खड़ी करता है। ये फर्क है। एग्जाम्पल मान लो एक कोई व्यक्ति सर्विस कर रहा, जॉब कर रहा है, अगर उसको स्कूटर चाहिए, बाइक चाहिए तो वो क्या करेगा, शोरूम में जाएगा और इंस्टॉलमेंट में खरीद लेगा। ईएमआई जो हर महीने भर रहा है वो एसेट से लायबिलिटी है ना। अब उसको फ्रिज चाहिए, आपको कार चाहिए, कोई भी चीज चाहिए, वो ईएमआई में लेके आएगा। तो वो अपनी लग्जरी चीजें खरीदने के लिए वो जिंदगी भर लायबिलिटी खड़ी कर रहा है, उसका पहाड़। तो वो कभी अमीर बन सकता है? लेकिन वही आम आदमी अगर अमीर बनना चाहता है तो वो क्या करेगा, वो एसेट पर खर्च करेगा, वो लग्जरी पर खर्च नहीं करेगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, बॉम्बे, कलकत्ता, दिल्ली ऐसे बड़े बड़े शहरों में लोग क्या करते हैं, एक व्यक्ति जॉब कर रहा है, उसकी 40,000 की तनख्वाह है, 50,000 महीने इनकम, आज के दिन कुछ बॉम्बे सजेशन में क्या है, कुछ नहीं, ठीक है। अब वो क्या करेगा, जैसे हमारे कलकत्ता में लोग क्या करते हैं कि जॉब कर रहा है तो वो उस पैसे को लग्जरी में खर्च नहीं करता, उस पैसे को बचाएगा और उससे एक फ्लैट खरीदेगा होम लोन लेकर। क्या लेकर? होम लोन। अब उसने फ्लैट खरीदा, 90% पैसा बैंक ने फाइनेंस कर दिया, उसने केवल 10% पैसा इन्वेस्ट किया, डाउन पेमेंट किया। मान लो उसने 10 लाख दिए या 5 लाख दिए उसने डाउन पेमेंट और बाकी पैसा बैंक से फाइनेंस हो गया, उसको मिल गई प्रॉपर्टी। अब क्या करेगा, जैसे ही फ्लैट मिला वो तुरंत ईएमआई देना 20,000, भाड़े पे लगा दिया 25,000। ईएमआई देना 20,000, उसको भाड़े कितना मिला, 25,000। यानी उसका बाकी 90% पैसा आप कौन दे रहा, वो दे रहा क्या? नो, एसेट से पैसा आ रहा और उसी से उसका वो प्रॉपर्टी 15 साल में फ्री, और जो 5,000 रुपया एक्स्ट्रा कमाई किया उससे वो लग्जरी चीजें खरीदेगा। इसीलिए तो इसे ध्यान रखो, आप लग्जरी चीजों पर हम अपनी गाड़ी कमाई को खर्च करते हैं, लेकिन मान लो ऐसे कितने लोग जो मकान, अपने मकान है, बस अपना घर मकान आप खुद रहते हो उस पर, भाड़े पे दिया, तो उसकी वैल्यू पेपर में है। जो एसेट आपको कमा के नहीं दे रही है उसकी कोई वैल्यू नहीं, उससे आप अमीर नहीं बन सकते। अगर उसने 1% आपके भाड़े पे लगाया होता उससे जो इनकम आ रही होती उससे आप अमीर होते। बात समझे? इसी ध्यान रखना कि अमीर बनेंगे। और आशीन क्या करता है कि आशीन जिंदगी भर आपकी एसेट्स बनाए, वो आपकी लायबिलिटी को जड़ से खत्म कर देगा। किस तरह से? मान लो कोई व्यक्ति आज सामान खरीदेगा तो उसको कम से कम 30% मतलब रेट कम आती होगा, जैसे पेस्ट है बाजार में 56 रुपए का है, आज से 34 रुपए का मिल रहा है, उससे अच्छा पेस्ट। साबुन जो बाजार में 45 रुपए की है वो आपको उससे अच्छे साबुन 20 रुपए मिल रही है ना। जो बाजार में 180 रुपए का है वो को भी मिल रहा है आपको यहाँ पर 120 रुपए मिल रहा है, तो कितना डिफरेंस है। तो ये आपका हर 1,000 में पर 1,000 300 रुपए की बचत है, साल में आपको 3600 रुपए की बचत हुई। ये आपकी एसेट्स की गारंटी है, उसके ऊपर आपको 10% कमीशन आ गया 800 रुपया, ये लाइब्रेरी के एसेट्स है, एसेट्स है वो। उसके ऊपर बाद में आपको सारे हेल्थ प्रोडक्ट है तो आपका मेडिकल एक्सपेंसेस कम से कम बचेगा 5,000 रुपये, ये एसेट्स की लाइब्रेरी है, एसेट्स है। इस तरह से आप देखेंगे कि साल में आपने 12,000 का सामान खरीदा लेकिन आपको फायदा हुआ 2,600 का,
और साथ में अगर इसी श्रमिक को पांच अगर इसको कन्वर्ट करते हैं तो 5 लाख रुपये होते हैं, 5 से 20 लाख रुपये तक का बचत करते हैं मात्र 25 साल में। क्या खाकर के आरसीएम का सामान खाकर। तो आप क्या खरीद रहे हैं? यही सोच में आम आदमी मार खाता है। जो स्मार्ट होता है, जिसको अमीर बनना है, वो सारा कैलकुलेशन लगाएगा कि कौन सा प्रोडक्ट मेरा ऐसा होगा, किससे लगेगा। लक्स मुझे तो लक्स ही है, सुगंध बहुत अच्छी है, बेचारे को पता ही कि वो केमिकल से बना हुआ है, उसमें सीमेंट की क्वांटिटी कम है, उसमें बहुत सारी ऐसी चीज है जो उसको उसका नुकसान करती, अच्छा करती नहीं है। ठीक है, बोलता है सुगंध अच्छी आती है। तो मैं बता दूं, जिंदगी में 500,000 के बंडल से जो सुगंध आती है वो दुनिया के किसी फूल में सुगंध नहीं है, किसी फूल में। वो बंडल कौन देगा? इसे ध्यान रखें। दूसरा, इससे आपकी लाइब्रेरी कम होगी और ट्रेडिंग करते हैं। अगर आप रिटेलिंग करते हैं, अपनी लाइब्रेरी से मुक्त होना चाहते हैं, भाई बहन जी आपके घर का खर्चा कितना है? मैनेजर घर का सामान कम ही नहीं है। बहन जी आपका 3,000। आपका बहन जी कम से कम अंदाज 12,000। यानी आप देखेंगे एक आम किसी भारतीय का आम आदमी का 5-10,000 का मिनिमम घर का सामान खर्चा है। ठीक है, ये उसकी एसेट्स की लाइब्रेरी है, लाइब्रेरीज है। पैसा होगा तो भी खर्च करना पड़ेगा, पैसा नहीं होगा तो उधार लाके खर्च करना पड़ेगा, उधार नहीं मिलेगा तो घर का सामान बेच कराना पड़ेगा, वो भी सब खत्म हो गया तो उससे मुक्ति मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए। उसका तरीका है रिटेलिंग करवाओ। और आर्थिक का सिद्धांत यूज एंड तो आप महीने में 5,000 सामान एमआर पे बेचते हैं तो 2,200-2,300 की आपकी इनकम है। 10,000 सामान बेचिए, 5,000 की इनकम है आपकी लाइब्रेरी। यानी अब आपका टोटल पैसा वो बचत होगा जिससे आप अपनी बहुत बड़ी असर बना सकते हैं, है ना, इस तरह से। लेकिन अगर आपको वो लग्जरी लाइफ चाहिए जिसमें आप स्टार डायमंड और स्टार डायमंड दोनों में आप इंटर मार सकते हैं, जिसके एडिशनल फायदा आपको बहुत सारे मिल सकते हैं, आज हमारे पास चर्चा नहीं है। तीसरा तरीका है आपको नेटवर्क। अगर आपको लग्जरी लाइफ चाहिए, सारे वो लग्जरी लाइफ जिन्होंने आपको दिखाया, तो उसका तरीका एकमात्र है, वो है बिना नेटवर्क के वो लग्जरी लाइफ नहीं आ सकती। वो केवल खरीदने से नहीं आ सकती, केवल बेचने से नहीं आ सकती। आपको लग्जरी लाइफ होगी नेटवर्क करने से। आपको नेटवर्क बनाना कितने का? इन तीन चीजों का नाम है, कंज्यूमर नेटवर्क, रिटेलर्स नेटवर्क और नेटवर्क करने वालों का। ये तीन तरह का नेटवर्क आपने बना लिया तो आप कस्टमर होगी लग्जरी लाइफ। लेकिन बहुत सारे लोग हैं, आसिम अच्छा है, बहुत अच्छा है, सब अच्छा है, लेकिन मैं नहीं कर सकता, नेटवर्क नहीं कर सकता। यहां कोई बैचलर है जिसकी शादी नहीं हुई, शादी आओ तो है, आओ आओ और आओ आओ मुर्गा आओ जल्दी आओ। यस यस बस 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 अच्छा। क्या नाम है? जन्मेश पवार। जन्मेश पवार। जन्मेश पवार उम्र कितनी है? 18 साल। 18 साल, तुम तो अभी माइनर है। अच्छा अच्छा, थोड़ा जवान आदमी है। बैठा बैठा, हाँ आपका नाम? चंद्रा। उम्र कितनी है? 23। तू बड़ा हो गया। उम्र कितनी है? 19-20 है। पक्का बम्बल
मिनहाज शेख. उमर? 21 इयर्स. 21 इयर्स. अच्छा आपका नाम? सुधीर सिंह. 26 सर. वेरी गुड जवान. अच्छा ये सुधीर जी आपकी गोपियां कितनी हैं? एक दिन ना चट सर बोलो गोपियां कितनी? सही बोला नहीं. उम्र कितनी है? 26. 26 साल से छक मार के शादी के बाद तेरे बच्चे होंगे कि नहीं?
फ्लेवर किया, सोचा था तुम क्या निकला। ये बताइए उसने झोला कर दिया। और अगर आज आपने इस नेटवर्क की ताकत को बचा लिया, अगर आज आपने नेटवर्क बनाने का काम कर लिया, तो आने वाले समय में क्या होता जानना चाहेंगे। अब पूरी दुनिया आसिम आपको मुट्ठी में नहीं, वो देगा आपको। The magic of mobile applications. कितने लोगों ने मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड किया है अपने मोबाइल पर? यस, काफी लोगों ने किया, वेरी गुड। ठीक है, अब आपको बता दूंगा कि मोबाइल एप्लीकेशन आने वाले समय में केवल एप्लीकेशन नहीं, ये अल्लाह दिन का चिराग बनने वाला है, जिसमें आप घिसोगे उसके अंदर से निकलेगा अल्लाह दिन का चिराग। बोल मेरे आका, क्या चाहिए? जो चाहोगे वो मिलेगा, आपकी सारी विश को पूरा करेगा। ये जानना चाहिए, ये देखो धमाका। और आने वाले समय में बहुत सारे ऐसे फैसिलिटीज है, पूरा बिजनेस मोबाइल एप्लीकेशन में आने वाला है। यानी आने वाले समय में सारी फैसिलिटीज वो केवल मोबाइल एप्लीकेशन में ही रहेगी, बाकी किसी साइट पर नहीं रहेगी। कुछ आपको आसिम.com में भी मिलेगी, लेकिन वो उसमें भी आपको सारी फैसिलिटी नहीं मिलेगी, जो केवल एक्सक्लूसिव मोबाइल एप्लीकेशन मिलेगी। पहला फायदा द मैजिक कि अभी ऑलरेडी चालू हो चुका है भारत के 40-50% जगह में चालू हो चुका है, कि अगर आप मोबाइल एप्लीकेशन से ऑर्डर देते हैं तो आपको अब माल खरीदने के लिए पिकअप सेंटर जाना नहीं पड़ेगा। मोबाइल एप्लीकेशन से ऑर्डर दीजिए, आपके घर में होम डिलीवरी माल होगा। yes. इंडिया के कोने कोने में जान रहे हैं। मान लो अभी आप मुंबई में हैं, आप दिल्ली गए, कलकत्ता गए, किसी भी दूसरे शहर में गए, आपको माल वहां चाहिए, वहां का लोकेशन दीजिए, माल वहां पहुंच जाएगा। आपका कोई दोस्त रिश्तेदार कि दूसरे शहर में रहता है, आप उसकी उसको माल पहुंचाना चाहते हैं, इस मोबाइल एप्लीकेशन से उनका लोकेशन दीजिए, माल वहां डिलीवरी हो जाएगा। बिजनेस बढ़ेगा भी बढ़ेगा, चौंतर है। जो काम आप नहीं कर सकते वो काम कौन करेगा? टेक्नोलॉजी। अब देखिए धमाका। दूसरा, इस मोबाइल एप्लीकेशन में आने वाले समय में स्पेशल ऑफर आएंगे ओनली ऑन मोबाइल एप्लीकेशन, वो आपको इनका सेंटर पर आसिम साइट पर नहीं मिलेगा। ओनली ऑन मोबाइल एप्लीकेशन स्पेशल ऑफर आएंगे, स्पेशल डील्स मिलेगी। मान लो आपको कोई 1000 रुपए का सामान अगर आपको 500-600 मिले तो आप छोड़ेंगे की लेंगे? 5 रुपए का सामान आपको 3000 मिले तो आप छोड़ेंगे की लेंगे? ऐसे बहुत सारे ऑफर्स पहले मंथली आएंगे, फिर 15-15 दिन आएंगे, फिर हफ्ते हफ्ते आएंगे, फिर रोज रोज आएंगे, फिर घंटे घंटे आएंगे। यानी चेन से नहीं बैठ पाएंगे आप, ऐसे ऐसे ऑफर आएंगे कि दुनिया पूरी लपक पड़ेगी ना। और ये फैसिलिटी केवल मोबाइल एप्लीकेशन में आएगी, बिजनेस बढ़ेगा कि बढ़ेगा? और इसलिए आपके घर में हंसी और खुशी की डिलीवरी करेगा होम डिलीवरी, वो है आसिम बिजनेस। इसके अलावा इसमें एक बहुत बड़ा पावरफुल टूल है, वो है रजिस्टर्ड बायर। आप जितने लोगों को जानते हैं क्या आप सबको ज्वाइन करा सकते हैं आसिम में? क्या सबको प्लान दिखा सकते हैं? क्या सबको प्रोडक्ट दे सकते हैं? नो। लेकिन एक काम आप कर सकते हैं सबको लिए, उनको बना सकते हैं रजिस्टर्ड बायर। इस रजिस्टर्ड बायर बनाने के लिए आपको कोई केवाईसी करवाना नहीं है,
कोई उनका ज्वाइन नहीं कराना है, आपको सिर्फ उनको अपने ऐप के माध्यम से रजिस्टर्ड डायल करना है। उसकी आपको डिटेल देनी है, नाम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, मोबाइल नंबर, और वो बन जाएगा रजिस्टर्ड डायल। उनके मोबाइल तुरंत SMS आएगा, जैसे आप सबमिट करेंगे उनके मोबाइल पर SMS जाएगा, वेलकम टू आसिम बिजनेस, आपका पासवर्ड ये है, लॉगिन आईडी उनका मोबाइल नंबर। वहां पर वो एक लिंक सामने जाएगा, लिंक में क्लिक करते ही वो सीधा आसिम की शॉपिंग में घुस जाएंगे। वहां पर अगर वो कुछ भी शॉपिंग करते हैं उनको डिस्काउंट पैसे मान मिलेगा, लेकिन उनको बिजनेस वॉल्यूम नहीं मिलेगा, बिजनेस वॉल्यूम आपको मिलेगा। यानी कि आप बैठे बैठे लोग को अगर रजिस्टर पर बुलाते हैं, मान लो अगर आपने 100 लोग रजिस्टर पर बुलाया और इतने शानदार ऑफर आएंगे, इतने शानदार प्रोडक्ट आने वाले हैं कि अगर वो 500 डीडी का 25 दिन मैच करते हैं, वो 100 लोगों से आपका 50,000 डीडी आ गया, ये आपका टोटल बिजनेस सेल्फ आईडी में आएगा। इसका पूरा डीडी आपको मिलेगा, जिससे इनकम आपको आईडी 9,500 साथ में डायमंड स्टार डाउन प्लस हो जाएगा। यस सर, ये बिजनेस कैसे आ रहा है, कैसे आ रहा है? केवल अंगली मानस है। अब मान लो अगर आपने नेटवर्क बनाया है तो देखो कितना बड़ा मिनट पे होगा। अगर आपने नेटवर्क बनाया है तो नेटवर्क के लोग भी तो आपके टीम के लोग भी तो करेंगे, तब क्या होगा? मान लो अगर आपकी टीम के 100 लोगों को रजिस्टर्ड बैंक बनाते हैं तो करीबन 10,000 रजिस्टर्ड बैंक का बैंक बनता है। अगर वो 500 रुपए का परचेजिंग करें तो 50,00,000 का बिजनेस होता है, उससे आपकी इनकम करीबन 2,00,000 रुपए मिनिमम इनकम होती है। अब ये 50,00,000 का बिजनेस कैसे आया? यानी वक्त आने वाला है कि मान लो एक व्यक्ति बाथरूम में घुसा, बिजनेस था 1,00,000 का, बाथरूम से बाहर आया गलती से, हमारे सभी भाई बाथरूम में घुसे पर बाहर आए स्टार बन गए। ऐसा एक एक घंटे में, आधे आधे घंटे में, मिनटों मिनटों में लाखों का बिजनेस होगा। दिस इज विजन, ऐसा होने वाला है 100%। लेकिन आज नहीं, कल नहीं, अब ये 2 से 5 साल वेट कर पाओगे, कर पाओगे? कम है क्योंकि अब कुछ भी हवा में नहीं है, सारी तैयारी रेडी है, एक एक करके खाली इंप्लीमेंट होने बाकी है, सारी तैयारी सेटअप तैयार हो चुका है, कोई भी चीज हवा में नहीं है। अब आप बड़ा पैसा कमा सकते हो, जैसे ऑनलाइन शॉपिंग की दुनिया में देखो, अमेज़न के पास 4 करोड़, 6 करोड़, 1 करोड़ है, मात्र 3-4 सालों में इन कंपनियों ने कितने बड़े बड़े टर्नओवर किए हैं। और अब आसिम आपके लिए खुशखबरी है, जानना चाहेंगे आने वाले 3 से 5 सालों में आसिम लेके आ रहा है आपके सामने 1,00,000 प्रोडक्ट लॉन्च करने की तैयारी आसिम की चल रही है। तो 500-600 प्रोडक्ट में इतने सारे अचीवमेंट निकल रहे हैं, 1,00,000 होंगी 2017 में, तो क्या कोई आपको डायमंड बनने से रोक पाएगा? नहीं। रोक पाएगा? नो। विजन, लेकिन आज नहीं, कल नहीं होगा, कब होगी? 2 से 5 साल के बीच ना, ये संख्या कई करोड़ में भी हो सकती है, वैसे भी तैयारी चल रही है, लेकिन 1,00,000 प्रोडक्ट की तैयार है, रेडी हो चुकी है, एक एक करके आपके सामने आने शुरू हो जाएंगे। और उसमें क्या क्या फैसिलिटी आने वाले देखना चाहोगे? दिखा दो,
बना पाएंगे और उसमें भी मिलेगा आपको बिजनेस। अभी तक आपकी ट्रेन की जर्नी लाइवली थी, अब क्या बन जाएगी साथ में? और दिखाओ, और दिखाओ, बड़ा करा दो, करा दो। सुंदर सी एयर होस्टेस, ये ट्रेन का आपको साइड सर, आपका बिजनेस बोलिए। अभी तक फ्लाइट की जर्नी लाइब्रेरी थी, अब क्या हो जाएगी एसेट्स। और देखो धमाका, आपको लाइन लेने की जरूरत नहीं है, मोबाइल एप्लीकेशन से बुक कराइए आपकी टिकट फ्री। इस वजह से और दिखाओ, और देखो धमाका, जिसमें आप एकदम जबरदस्त बिजनेस कर सकते हो, जिसमें अपने आप में इस इंडस्ट्री से बहुत पैसा कमा सकते हो। और दिखाओ, और दिखाओ, और देखो धमाका, ऐसा धमाका मोबाइल रिचार्ज में बिजनेस बोलिए। आने वाले समय में मोबाइल रिचार्ज में भी या आपके पोस्टपेड बिल करने में भी आपको मिलेगा बिजनेस। अब देखो इसमें सबसे बड़ा कमाल क्या होगा, केवल इस ऑप्शन की वजह से लाखों लोग आरसीएम ज्वाइन करेंगे जिस दिन आगे, क्योंकि इसकी वजह से लोग ज्वाइन करेंगे। अब आपका आरसीएम में जो लोग ज्वाइन है वो प्रोडक्ट खरीदे खरीदे साला रिचार्ज तो कराएगा। अब आप देख रहे हैं आपकी पूरी लिस्ट में एक व्यक्ति का जीरो नहीं दिखाई देगा, सबका आपको डायमंड में रोक पाएगा। और दिखाओ, और दिखाओ, तो धमाका। डीटीएच रिचार्ज में बिजनेस बोलियो, कम से कम लोग 250 रिचार्ज प्रीमियम कराते हैं, ये भी हमारे कमर्सी है। घर में खाना बने नहीं बने रिचार्ज होना चाहिए, तो इसमें भी इतना बड़ा बिजनेस आएगा। और एक धमाका ऐसा होगा वो है इलेक्ट्रिक बिल में बिजनेस वॉल्यूम। आने वाले समय में आप इलेक्ट्रिक बिल पेमेंट करेंगे मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से, उसमें भी मिलेगा बिजनेस। ओमेगा से 5000 से नीचे किसी का बिल नहीं आता, ये ऐसा चीज, ऐसी फैसिलिटीज है जिस दिन आरसीएम में चालू हो जाएगी, जो लोग आरसीएम से निगेटिव है, जो लोग आरसीएम में इनएक्टिव है, जो लोग सोए हुए हैं, जो कोमा में गए हुए हैं, सारे जाएंगे। सारे दिन से घूम निकल जाए। और दिखाओ, और दिखाओ, और देखो धमाका, लगेज बैग्स आ चुके हैं और आपके लिए खुश कर रही है ये भी लॉन्च। फुटवेयर भी आपको बस मोबाइल एप्लीकेशन में आपको दिखाई देना शुरू हो चुका है, ये भी आप ऑनलाइन खरीद पाएंगे। और दिखाओ धमाका, और एक धमाका देखो, स्मार्टफोन। और स्मार्टफोन और मोबाइल कनेक्शन मतलब क्या है, जितनी देश की पॉपुलेशन होती है उससे ज्यादा कनेक्शन में मोबाइल फोन। और दिखाओ, और देखो धमाका, मोबाइल एक्सेसरीज। मोबाइल एक्सेसरीज में केवल 200 प्रोडक्ट है जो इंसान हर व्यक्ति को रखते हैं, उसको भी लाने की तैयारी चल रही है, जिससे आपको 200-300 प्रोडक्ट ऐसे मिल जाएंगे। और जो धमाका वो है
और धमाका देखो करीबन 400-500 रुपए की रेंज है जिसमें आपको रेफ्रिजरेटर कुकर आपको ओवन वॉशिंग मशीन सब कुछ मिलेगा। सोचो सब लोग डायमंड बन सकते हैं। देखो धमाका बहुत जल्दी इसी साल या अगले साल की शुरुआत में आपको ये प्रोडक्ट लॉन्च करने की तैयारी चल रही है। जिस दिन ये प्रोडक्ट आ गया सोच लो सारी क्योंकि घर में खाना जो बनेगा वाले ये आना जरूरी है। अब इसको आपकी वाइफ लगाएगी उसके होठ लाल होंगे और आपकी पॉकेट लाल होंगे। और दिखाओ और देखो धमाका इमिटेशन ज्वेलरी यानी आर्टिफिशियल ज्वेलरी का बहुत बड़ा मार्केट हो चुका है और उसके ऊपर काम चल रहा है। इस पर भी आपको बहुत जल्द अगले 5-7 महीनों में या 1 साल के अंदर आपको ये प्रोडक्ट भी आपको नजर आने शुरू होंगे ऑनलाइन शॉपिंग में। और वॉचेस वॉचेस हो गए आपके पास में सनग्लासेस बैकटॉवेल बेडशीट एक्सेसरीज यानी कि आपके पर्स मोबाइल वगैरह सब कुछ आपको इस पर सारा काम चल रहा है। और यानी अभी इसी साल के एक ब्लॉक आ जाएंगे कि आपकी इनकम इस साल के अंत तक उसकी स्पीड ऐसी होगी और अगले 5 साल में आपकी इनकम की स्पीड ऐसी होने वाली है। इनकम बढ़ने वाली है क्योंकि ये टेक्नोलॉजी का कमाल है। आप नहीं चाहोगे तो भी आएगा आपके बस में नहीं है। ये एक बार जो आपने नेटवर्क बना लिया आपके बस में रहेगा कैसा ऐसे आएगा और आप ऐसे होंगे और इसीलिए टीसी शर्मा जी कहते हैं जल्दी कर लो लाइन लगने टिकटॉक और इसीलिए वो कहते हैं नव युग की तैयारी कर लो युग परिवर्तन का समय आ गया। नव युग की तैयारी कर लो युग परिवर्तन का समय आ गया एक नया इतिहास रचाने धरती पर आशियम आ गया। तो उस नव युग की शुरुआत हो चुकी है युग परिवर्तन का समय आ चुका है। अगर आप अपने अंदर परिवर्तन करेंगे तो आपका युग बदल जाएगा। इसलिए और आज हमारे पास समय खत्म हो चुका है मेरी ट्रेन का टाइम हो चुका है हम बहुत सारे लोग ऐसे को बुला नहीं पाए हैं। मैं यहाँ पर स्टॉक मेंबर्स अपनी जगह खड़े हो गए और मैं चाहूंगा हमारे जितने सीनियर साथी हैं